जो आई है तेरी पल के चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यू ऐसे मुस्कुराई है इस बहार जो आई है मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे मैके वालों? ठीक ठाक है, मज़े में है। ज़िंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है ना, आप सोचते हैं क्या होता है, क्या आप सोचते होते हैं बचपन में कि बड़े हो के ना मैं एयर होस्टेस बनूंगी या पायलट बनूंगी, जो भी आप सोचते हैं, एक ख्वाब देखते हैं अपनी ज़िंदगी में और बड़े होते 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 आप वहाँ नहीं पहुँच पाते, ज़िंदगी आपको कहीं और ले जाती है। उसी तरह आप रिश्ता करते हैं बच्ची का, बहुत ही चाह से, बहुत ही शौक से, बहुत छानबीन के बाद, लेकिन शादी के बाद बातें बिल्कुल उलट निकलती है और फिर वो जो आपका ख्वाब होता है वो पूरा नहीं हो पाता, बच्ची सर्वाइव नहीं कर पाती, उस घर में रह नहीं पाती। फिर आप सोचते हैं कि अपनी पूरे हम कश्तियाँ जला के अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क जाके सेटल हो जाएंगे, मगर वहाँ सेटल होना तो दूर, आपकी जो सेविंग्स होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं और आप सोच के गए होते हैं कि एक अच्छे फ्यूचर के लिए आप रिस्क लेते हैं लाइफ में कि अच्छे फ्यूचर के लिए आप बाहर सेटल होंगे और आप नहीं हो पाते। आपको नहीं पता कि उस ऊपर वाले ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान्स हैं उसके, लेकिन आप अपनी तरफ से जद्दोजहद करते हैं अपनी एक बेहतर ज़िंदगी के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे बच्चों के रिश्ते हों, चाहे आपने हिजरत करके किसी और मुल्क जाना हो, चाहे बच्चों को बाहर भेज के पढ़ाना हो। अल्लाह ना करे, मैंने बहुत सारे किस्से सुने, बच्चे बाहर जाते हैं दूसरी और ड्रग्स और इस चीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं, आप बच्चों को पकड़ के लाते हैं, रिहैब में डालते हैं, यानी जो उनकी ज़िंदगी जिस तरह होती है इस मुल्क में मौजूद, बाहर जाके वो बिल्कुल ही और ऑपोजिट हो जाती है। सो आपको नहीं पता कि ऊपर वाले आपके लिए क्या प्लान्स बनाते हैं, आप तो हर चीज़ के लिए ही अच्छा सोचते हैं। अब देखें ना, यार वह वाले इतने सारे ड्रामे बनाते हैं, सोशल इशूज़ भी हैं, आपके लिए एंटरटेनमेंट भी है, जो हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जिस तरह के मसालेदार ड्रामे वो भी है, कॉमेडी, हर तरह के ड्रामे हम आपके लिए लेकर आते हैं, पर हमें तो नहीं पता होता कि कौन सा ड्रामा आपके दिल को भाएगा, हमें तो नहीं पता होता कि कौन सा ड्रामा ऐसी रेटिंग देगा कि जिससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे कि अच्छा इस ड्रामे की इतनी रेटिंग आ गई, और किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इतने इतने पता नहीं कितने कितने बड़े आपने स्टार्स ले लिए सारे अंडर वन रूफ, और आप कहते हैं ओ माई गॉड ये तो किसी ने देखा भी नहीं। एक ऐसा ड्रामा, एक ऐसी कहानी जिसके ऊपर लोग बहुत कम बात करते हैं और ये एक आम प्रैक्टिस बनी हुई है हमारे मुल्क की, उस सोशल इशू को हाईलाइट करने वाला एक ड्रामा माहिरी बनाया गया ARY की तरफ से, और आपने उसको इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, जब मैं उसकी रेटिंग्स देख रही होती हूँ, जब मैं फ्लायर्स बनते हैं तो मैं हैरान हो जाती हूँ। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उसके अंदर मौजूद एक्टर्स, उसके डायरेक्टर, उसकी स्क्रिप्ट राइटर, ARY का कंटेंट डिपार्टमेंट, ये सब जो प्रोडक्शन हाउस है बिग बैंग, इन सब की मेहनत ने आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जिन्होंने बहुत सारे लोगों की आंखें खोली और साथ साथ आंखें खोल के दिल में जगह बना दी इस प्रोजेक्ट में। वैसे आपस की बात है, इसमें कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी मौजूद हैं जिनको अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा है कि अगर वो मॉर्निंग शो करते हैं तो रेटिंग ले आते हैं, कहीं से भी, किधर से भी, ऐसा भी चैनल जहां इतनी व्यूअरशिप नहीं लेकिन उन्होंने मॉर्निंग शो किया तो रेटिंग ले आई। सो कभी किसी के साथ कोई लकी भी होता है, तो बड़े दिनों बाद उन्होंने ड्रामे में काम किया और उनकी लक वहाँ भी काम आई। मेहनत तो वो करती ही हैं, लेकिन कुछ लोगों की लक दूसरों के लिए भी बड़ी भगवान होती है, बहुत लकी होती है। भगवान क्यों यूज़ कर लिया, ज़्यादा इंडियन मूवीज़ देख रही हूँ। बहरहाल तो ये सारा टीम वर्क है,
ये सारी जद्दोजहद, ये सारा हार्ड वर्क है जो पे ऑफ किया है, और आपकी मोहब्बत है कि आपने इस ड्रामे को इतना सराहा और इतना पसंद किया. सो आइए आज मैं आपको अपने शो पे माहिरी की कास्ट एक दफ़ा मिलवाऊंगी, और ये सक्सेस जो उन्होंने आपके साथ सेलिब्रेट करनी है, आपका शुक्रिया अदा करना है उनकी मेहनत को इतना सराहने का, इतना पसंद करने का. सो हम एक साथ इस सक्सेस पार्टी को एंजॉय करेंगे. सुबह सुबह ये पार्टी होगी आपके लिए, आपके फेवरेट माहिरी कास्ट के साथ. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. तो जी, सुपर डुपर हिट सीरियल माहिरी की कास्ट हमारे साथ है. सारे लोग नहीं है, लेकिन वो लोग हैं जो वो कहते हैं ना, इवेंट्स क्रिएट होते हैं जिनकी वजह से ड्रामे के रुख बदलते हैं, मोड़ आते हैं, कुछ से कुछ हो जाता है. तो हमारे साथ है जी माया खान. यहाँ अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो पूरी मायरी के लिए बहुत 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 ताली. सबको इंट्रोड्यूस कर ले, फिर इज्तिमाई तालियां बजाएंगे. सो एक्साइटेड. एंड हिबाली, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं? वालेकुम, बिल्कुल ठीक. और जी, ये छोटी सी हमारी प्यारी आज जो है छोटी नहीं लग रही, आज बाल बाल कटवा के आई है. सबको बड़ा हीरोइन हीरोइन लुक आ रहा होगा. एंड आसिफ हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? बिल्कुल जी. अब हम इज्तिमाई तालियां बजाते हैं माहिर जी. सक्सेस पार्टी होनी चाहिए. तो पार्टी पॉपर्स किधर है? पार्टी पॉपर्स किधर है? है ना, पार्टी होनी चाहिए. किधर है? हमें तो अरसलान भाई ने कहा था पार्टी है. मैंने कहा पार्टी होके नहीं दे रही है. आज देखिए ना भाई, हिब्बा पार्टी की वजह से साड़ी खड़े हो गया. आप दिखाइए. अच्छा, ओके. क्या 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 बात है. ये देखिए, वाह वाह वाह. जरा हां, फ्रंटल शॉट ले. इंडिया से साड़ी मंगवाई मैंने निदा के. भाई वाह वाह. और मायरी की आप भी खड़े होके दिखाइए जरा. आप प्लीज, आपको तो खड़ा होना पड़ेगा. इतनी ज्वेलरी आप पहन के आए. अच्छा, पटियाला सलवार और ये मजे का कट, ये भाई के कपड़े. फैन हो गई हूं मैं. थैंक यू यूसुफ भाई. यूसुफ भाई, मुझे काले रंग का बना दे ऐसा प्लीज. थैंक यू सो मच. इतना प्यारा लग रहा है. और हम ऐना को भी देखें. ऐना को दिखाएं आज लंबी कमीज. आज ये लग रही है शादीशुदा टाइप. शादीशुदा टाइप. शादीशुदा टाइप. शादीशुदा तो अब हुई है ना हमारी. वैसे ये हर बस एक ही मसला है, टाइप कास्ट नहीं होना. भाई हर दफा मेरे शो पे आती थी हाई पोनी टेल, ये यो बच्ची बन गई. एग्जैक्टली. आज इसने कहा कि मैं कुछ हीरोइन हीरोइन. आज लड़की बन के आते हैं. आज जिम्मेदार जिम्मेदार सी है ना थोड़ी. हाँ भाई, कि एक आध बच्चा तो संभाल ही लेगी लड़की. नहीं नहीं, हील पहनी हुई मैंने. कह रही हील पहनी हुई. यार कैसा रिस्पांस मिला है? तुम लोग बताओ, बाहर निकलते हो, अब क्या तुम लोगों को सुनने को मिल रहा होगा? निदा, माशाल्लाह, मैं वही आपको बता रही थी कि मतलब एक्सपेक्टेड तो था, जितनी मेहनत हम लोगों ने की थी यकीन तो पूरा था. लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसे शो बिजनेस के लोग भी जिनके साथ हम काम करते हैं, या आउटसाइडर्स जो टेलीविजन पर बैठ के हमें देखते हैं, सबके लिए मायरी एक ऐसा नाम है कि वो आपसे पहले कह देते हैं कि आपका मायरी देखा. नॉर्मली टॉक ऑफ द टाउन बन गया ना. एग्जैक्टली. नॉर्मली लोगों को ये याद होता है कि आप टेलीविजन पे आए, पर प्रोजेक्ट का नाम नहीं याद रहता या फला कैरेक्टर नहीं याद रहता. यहाँ पे एवरीबडी इज अ फैन ऑफ एवरीबडी, और वो सबकी आपसे, वो कैसी हैं सेट पे, उनका बताएं, ऐसे करें, पूछते हैं. लव इट, लव इट. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स. तुम बताओ यार. I mean, it's very overwhelming. बाकी भी तो तुमने और ड्रामे किए. और बाकी मैंने और ड्रामे किए, लेकिन I love them. But जितनी मेरे लिए मायरी के लिए ownership है मेरे अंदर, वो कभी भी नहीं रही. सेट पे भी, ओवरऑल रिस्पांस पे भी, हर जगह. अभी तुम बाहर निकल के तो क्या सुनती हो सारी? अब तो मुझे सब एनी ही बोलते हैं. I think 2 days later, right? तो जब बाहर निकलते तो क्या मुझे एनी ही बोलते हैं. एंड इफ दे कॉल यू योर कैरेक्टर्स नेम, तो मतलब आपने कुछ किया है. क्या आपको, अगर वो इनको राहिला बोल रहे हैं, मुझे एनी बोल रहे हैं, इनको आयशा बोल रहे हैं, तो मतलब आपने कुछ किया है अच्छा, ताकि उनको याद है आपका कैरेक्टर. तो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग. गले नहीं लगा दी कोई आंटी पकड़ के? आंटी नहीं, लेकिन लड़कियां जरूर. ओके ना, आ गया. आई एम लाइक, ऑफ कोर्स आई वांट वन. आई एम ऑलवेज लाइक वेलकमिंग देम विद ओपन आर्म्स. आई एम लाइक, ऑफ कोर्स हग मी. भाई आपको मॉर्निंग शो की वजह से तो आदत है ऐसे प्यार बटोरने की. लेकिन मतलब एक आदत हो जाती है ना यार, बाहर निकले
लेकिन माया ड्रामों में कम बैक, हाँ, और एक इतना मजे का तुम ड्रामा के आज तक हम वो गाना गुनगुनाते रहते हैं. True that. है ना, बहुत सारे वही था ना, एक बार मतलब देखो कितना अरसा हो गया फिर भी हम वो गुनगुनाते. तो उसके बाद आप ड्रामा दोबारा कर रही हैं एंड एक खौफ और एक डर होता है, एक आदत होती है मशहूर होने की, हर चीज मशहूर होने की. सो उसके बाद अल्लाह ने यहाँ पे भी कामयाबी दी माशाल्लाह. अल्फाज ही नहीं है ना, सोचा ही नहीं था. सिर्फ ये पता था कि मेहनत करनी, स्टार्ट से यही पता था कि जान मार देनी, बाकी जो अल्लाह को नसीब जो होगा, जो मंजूर होगा वो हो जाएगा. ये नहीं पता था कि हम लोगों का हिस्सा बन जाएंगे. ये नहीं पता था मुझे कि मैं इंस्टाग्राम, जहाँ मेरे पास चंद हज़ार फॉलोअर्स थे और मैं देखते ही देखते मुझे सोशल मीडिया के लोग, जिनके जो ऐना के फ़ैन्स हैं, जो समर के फ़ैन्स हैं, जो हिबा के फ़ैन्स हैं, उन सब के फ़ैन्स मेरे लिए हमारे सीन्स निकाल निकाल कर चेक कर ऑब्जर्वेशन के साथ कि आज यूँ हुआ तो हबीब ने यूं किया, तो सायका ने यूं किया. ये इन्वॉल्वमेंट लोगों की देखना फॉर मी नदा वाज फिनोमिनल. आई हैव नो वर्ड्स. अगर कोई कहे ना कैसा लग रहा है, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कैसा लग रहा है. मैं तो सिर्फ ये कहूँगी मेरे अल्लाह ने मुझे औकात से बहुत ज़्यादा दे दिया, बहुत ज़्यादा दे दिया. और सब लोग कितने खुश होंगे माहिरी में, जिसने मेहनत की, चाहे वो कैमरे के पीछे कैमरामैन होगा, वहाँ पे काम करने वाले लड़के होंगे, टीम होगी, मेकअप, सब एक खुशियाँ मना रहे होंगे. वाओ, मेरे डायरेक्टर का एंथुसियाज्म सेट पे नजर आता. ये देखो, ये तुम क्या, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल. आई स्वेयर, मतलब अभी सोचते सोचते ना याद आ गया कि हम कैसे खाने खा रहे हैं, किसको बुखार हो रहा है, किसकी तबीयत खराब हो रही है. कितनी लंबी चली शूटिंग इसकी, कितने में? 8 months. 8 months. वो तो एक अलग ही बात है, लेकिन हमने जो जैसे साथ बैठा है, जैसे हंसा है, रोया है, बहुत वो एक जर्नी है पूरा. मतलब ऑफ स्क्रीन तो हम ऑडियंस को नहीं बता सकते ना, हमने, आपको पता है वो कैसे शूट होता है, जाहिर है. लेकिन मायरी जैसी फैमिली बनी है, मैं नहीं समझती कि किसी और से, मैं साइमल्टेनियसली 2 sets पे और काम कर रही हूँ अभी. सॉरी, लेकिन वो भी सुन रहे होंगे, लेकिन मतलब जो मायरी के साथ मेरा शायद रहा हिस्सा वो नहीं हो सकता. अच्छा देखो, जहाँ आपको अच्छी बातें सुनने को मिलती है ना, वहाँ ट्रोलिंग भी होती है. अब देखो है ना, हम लोग अब जिस एज में है ना, हमें हमारे असाब मजबूत हो जाते हैं, हम ट्रोल्स को बर्दाश्त करने लगे हैं, और हमारी मेंटल हेल्थ होती है लेकिन उतनी नहीं होती. बहन तू तो भी बच्ची है. और अब जब लोगों ने लिखना शुरू किया कि इतनी सी बच्ची को रोमांस करते हुए दिखा रहे हैं, बहुत बहुत बच्चा कर रहे हैं, पता नहीं. ये प्रोजेक्ट चाइल्ड मैरिज के बारे में था. हाँ, चाइल्ड मैरिज, एनी का रोल, एक 20 साल की लड़की करेगी भी तो वो चाइल्ड मैरिज नहीं खिलाएगा. आई एम अ 15-year-old. आई जस्ट टर्न 15. आई वाज अबाउट टू से 14. आई एम अ 15-year-old. आई अंडरस्टैंड एनी बिकॉज आई एम हर एज. मैं उसकी एज पे ना हूँ, मैं समझती हूँ उसको. एक 20 साल की लड़की अगर वो रोल करती तो वो जस्टिफाई नहीं होता. फिर लोग उसमें कहते कि ये रोल देना ही किसी 15 साल की बच्ची को चाहिए था या 16 साल की बच्ची को चाहिए था. लोगों का तो काम है कहना ही, तुम्हें किसने समझा? एग्जैक्टली, ये मुझे मीसम भाई ने समझाया. मीसम भाई जितना मुझे, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी, अगर मेरे पास इतनी सारी पॉजिटिविटी और इतनी सी नेगेटिविटी है, इट्स अ बैड हैबिट, आई टेंड टू फोकस ऑन द नेगेटिविटी. तुम्हें हुआ था कुछ ये सब ट्रोल्स देख? यस ऑब्वियसली. मतलब वो लोगों का फजूल में मजाक उड़ाना एंड जस्ट हैविंग फन एंड बीइंग योरसेल्फ, एंड देन फिर आप सोशल मीडिया पे जाओ एंड सोशल मीडिया पे लोग आपको ओवर बोल रहे हैं, लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं अबाउट योर पर्सनालिटी जस्ट बिकॉज यू वर बीइंग योरसेल्फ. मतलब मीम्स भी बनाए शाहरुख खान, नाना पाटेकर और पता नहीं क्या क्या बोल दिया. मीम्स बनाना बड़ा आसान होता है, उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है. आप बना लेते हो लेकिन जब जिसके बारे में बन रही होती है उसको ऑब्वियसली एक माइंड सेट होना चाहिए उसको हैंडल करने के लिए. अच्छा, एनी के कैरेक्टर को लेकर के तो शुरू में मीम्स ही मीम्स थे, क्योंकि इतना छोटा बच्चा, लोगों ने इस तरह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी इतने बड़े कैरेक्टर को संभालते हुए देखा नहीं है अभी रिसेंट डेज में. तो इस पे तो बहुत ज्यादा हुआ, फिर ये परेशान भी हो जाती थी. आई गेट अफेक्टेड वेरी क्विकली अबाउट
सबके कैरेक्टर के साथ ही हुआ है. अब वो हबीब ऐसे कान को हाथ लगाता है, उसका एक बनाया था हमीशा. अच्छा सुनो, जैसे हमीशा मशहूर है ना कि खवातीन देर करती हैं, यहाँ तुम लोगों के लड़के ने देर की है. हीरो आ गया. हाँ समर आ गया. जो समर समर अब्बास हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? स्वीट हार्ट कैसे हैं आप? समर आपको कैसे लग रहा है पिछले मॉर्निंग शो से इस मॉर्निंग शो तक का सफर? कितना बदलाव आया है हमारी जिंदगी में? नहीं नहीं कोई बदलाव नहीं आया, बट उसमें शुरू शुरू के एपिसोड्स थे ना. पहली एपिसोड हमने आपके साथ आगे सेलिब्रेट. पहली एपिसोड आई थी. लग रहा है आपको ये सफर? बहुत अच्छा लग रहा है. मैं अभी आ रहा था रास्ते में तो मैं एक गाना सुनता हुआ आ रहा था जो मैं पहले बड़ा सुनता था, तो एकदम एक नॉस्टैल्जिया सा हुआ. मैंने कहा कि यार इतना अच्छा लग रहा है ये वाला गाना सुन के. बड़ा मोटिवेशनल सा सॉन्ग है वो. कौन सा? वो एक गा के सुना ऐसे नहीं समझ आता. इंडियन गाना है ना. थोड़ा सा सुना दो, 10 सेकंड के अंदर खत्म कर देना. अच्छा वो इस तरह होता है कि खड़ा हूँ आज भी वही, तेरा इंतजार है, छू लो जो मुझे तुम कभी, खोना जाऊं मैं रात दिन. कौन कौन से गाने सुनता है? मैंने तो नहीं सुना. बड़ा फेमस गाना है, तुमने सुना होगा. अरे वैसे इसके अंदर वैसे भी 50 साल पुरानी बूढ़ी रूह है. बहुत बुजुर्ग रूह है. बूढ़ी नहीं, बुजुर्ग रूह है. तो समर मैंने इन तीनों से पूछा कि अभी माहिरी जहाँ तक पहुँच गया, आखिरी एपिसोड रह गया है, और जितनी पॉपुलैरिटी माशाल्लाह माशाल्लाह सबको मिली है इस ड्रामे के थ्रू, सो तुम बाहर निकलते हो और तुम्हें क्या सुनने को मिलता है, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? लड़के तो ज्यादा बाहर निकलते हैं ना. मुझे तो चलते फिरते एक आवाज सुनाई देती है, और भाई मुबारक अब्बा बन गए. तो एनीवे सबका प्यार है, बड़ी अच्छी बात है. सब देख रहे हैं, एवरीबॉडी इज अवेयर कि क्या हो रहा है ड्रामे में, तो वो अच्छी एक बात है. हाँ. लड़के ज़्यादा करते हैं, फीमेल्स यूजुअली जो होती हैं जो कि वो ज़्यादा ड्रामे में इन्वॉल्व हैं, तो वो आके मिलती हैं, तारीफ भी करती हैं सबकी, तो लड़के ज़रा छेड़ना शुरू हो जाते हैं. हाँ. लेकिन एनीवेज कोई मसला नहीं है, खैर है. लड़के तो ऐसे ही होते हैं. हाँ. खवातीन होती हैं वो प्यार बरसाती. हाँ. हैं ना ज़रा. लड़के तो छेड़ते ही हैं. आप पे प्यार? किसी कोई आंटी मिली? कोई आंटी मिली फैन? नहीं नहीं, बहुत क्योंकि वो जो दिल खोल के तारीफें करते हैं. नहीं नहीं माशाल्लाह इसकी तो. और पंजाब के लोग जो हैं बहुत ज्यादा इस मामले में ना खुले दिल के हैं, तो जब आप पंजाब जाते हैं तो जो फैंस मिलते हैं ना, तो कराची वाले फिर थोड़े से यूं हो जाते हैं ना. अच्छा ओके होंगे लेकिन पंजाब लाहौर जाते हैं ना हम. हाँ, आपसे आपकी बात काट रही हूँ. हाँ. मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो कि मैंने बहुत ज़्यादा बोला. हाँ. लेकिन चूँकि मैं एक बात आपकी बात में एडिशन करना चाहूँगी, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो. हाँ. और पाकिस्तान जो हमें इनबॉक्स आते हैं उस पर आता है कि प्लीज समर और ऐना के नंबर्स दे दें. हाँ ये हमें आते हैं. और मैंने बकायदा एक दिन स्टोरी लगा दी अपने इंस्टा पे कि अगर अब मुझसे किसी ने समर और ऐना का नंबर मांगा तो मैं उसको बकायदा ब्लॉक कर दूंगी. वो रिसेंटली डॉक्टर साहब को एक मैसेज आया हुआ, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया प्लीज खुदा का वास्ता आप समर का मुझे नंबर दे दें. आपको पता है निदा, मैंने तो वीडियो बनाई है समर की लास्ट अभी कि हम एक ऑक्शन करेंगे इनका नंबर. हमने सोचा है इन्होंने बोली बोली लगवाई है. इन्होंने कहा है कि इतना क्योंकि मुझे तो लिटरली ऐसे आता है कि मरने मराने को तैयार है लोग उस नंबर के लिए. तो अच्छा सुनिए, बड़ा अच्छा आइडिया है बा, ऐसा करते हैं. नहीं नहीं ऐसा करते हैं, हम आपसे वादा करें इस प्रोग्राम के दौरान कहीं भी हम आपको समर या एना का नंबर चला देंगे बैंड पे. हाँ, हाँ, हम बोल देंगे. अच्छा अच्छा निदा मुझे याद है दोनों का नंबर, तो मैं कहीं भी बीच में बोल दूंगी. याद है आपकी? आपको याद है? दोनों का नंबर याद है. ठीक है तो बस देखते रहिए. मैंने बता दिया बस, इससे ज्यादा मैंने नहीं बता सकी. आप लोग सब देख रहे हैं ना, आप लोग नंबर ये लोग अभी थोड़ी देर में डिस्क्लोज करेंगे. हम अपने दोनों के फोन जो है वो हिबा जी के बैग में रख के जाएंगे. समर तुमने पैसे वैसे बढ़ाए अपने आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए? ये भी तो होता है ना. और कैसी है आप? अच्छा आप मुझे ये बताओ कि माहिरी तो खत्म होने वाला है, माहिरी की वजह से भी देखो एक होता है ना, और क्या क्या आप आगे कर रहे हैं?
जब आपका एक प्रोजेक्ट हिट हो जाता है तो फिर आपको इधर उधर हर जगह से ऑफर आ रही होती है. ये आप चारों मुझे बताएंगे जी आगे का क्या सिनेरियो. बड़ी बड़ी आंखों से मुझे तो मत देखो, तुम बाकी सबसे पूछो. नहीं, सबसे पूछ रही हूँ. माया से शुरू करें, माया से शुरू करें. आप बता दो. चलो मैं छोटा से शुरू करती हूँ. हाँ, आप क्या कर रही हैं? मैं अभी आके कुछ भी नहीं कर रही. ये क्या बात है? मेरे स्कूल में अभी मेरे पेपर्स होने वाले हैं, तो अभी मुझे वो देने मेरे टेस्ट प्लान्स हैं. आई नीड टू गिव दोस. I'll give those and then I'll look into projects. सुनो, स्कूल में टीचर्स और उन सब का क्या, वो तो बताओ. टीचर्स तो बहुत सपोर्टिव हैं, वो तो मुझसे बैठ के मेरे ड्रामा के बारे में बातें कर रहे होते हैं ब्रेक टाइम में. मेल टीचर्स ही करते हैं क्योंकि वो शायद पता नहीं उनकी ईगो आ जाती है, लेकिन फीमेल टीचर्स करते हैं. फीमेल टीचर्स करती हैं, वो मुझे बैठ के बताती है कि लास्ट एपिसोड कब आएगा. मैंने कहा आप देख तो लें लास्ट क्या. एंड एवरीबॉडी इज आस्किंग मी फॉर द एंडिंग. मैं उनको झूठ झूठ बताती हूं, मैं उनको झूठ झूठ बताती हूं, उनको ये होगा वो होगा, आप देखें. तुम ये इसमें फंसो गई कि जितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ये था. और ये तो देखो ना, कहानी थी एक इतनी छोटी सी लड़की की. हर कहानी ऐसी, हर कहानी ऐसी. अब तुम्हें चूज करने में बहुत तकलीफ ही होगी कि अब तुम्हें अब बेहतर से बेहतर चाहिए. ये जो माहिरी है, एना को बहुत प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए हैं, इसने मुझे बताया था. इनफैक्ट वी वर स्पीकिंग, बट वही बात है ना कि जब तक इसको उस कमाश की कोई चीज, इंसान की मुश्किल है, अब मुझे इससे बेहतर चाहिए. पढ़ते हुए कुछ कनेक्शन तो फील हो आपको. हाँ. कि यार हाँ ये करेक्टर करना है. हाँ. मैंने मुझे मजा आएगा. जब तक वो फील ना हो तो फिर क्या फायदा मायरी के बाद कोई भी. अच्छा आप साफ बता दो, चाहिए क्या तुम्हें, क्या किस तरह के कैरेक्टर्स चाहिए? आई वांट टू डाइव इन एवरीथिंग. मतलब राइट नाउ आई फील लाइक आई रियली वांट टू डू नेगेटिव. मेरा बहुत दिल है नेगेटिव करने का. हे भाई तुमसे कर दिया है इसको, पता है मार्जिन बहुत है नेगेटिव. चलो सबर, तुम्हारी बारी. तुम्हें क्या ऑफर आई या अब तुम क्या करना चाहते हो? नहीं अब कुछ ऐसा. तो पहला प्रोजेक्ट मेरा, ये पहला प्रोजेक्ट था बिल्कुल. बट चूंकि स्क्रिप्ट देखें, एक बड़ा एक मैसेज और थोड़ी सेंसिटिव स्क्रिप्ट थी. अब उसके बाद एज एक्टर्स हमारा एक जो है वो हक तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक फ़र्ज बनता है हमारा कि हम अगली जो भी चीज़ करें वो कम से कम पिछली वाली स्क्रिप्ट से जो है वो एक डिस्कनेक्ट ना लगे, या कोई ऑफ ट्रैक ऐसी चीज़ ना कर दें हम जो पिछली वाली स्क्रिप्ट से जो है वो एकदम लोग बोलेंगे यार ये इसने अब क्या कर दिया. तो एक अच्छी स्क्रिप्ट हो जिसमें थोड़ा सा यू नो हम लोग, जिस तरह मेरा फाखर का कैरेक्टर था जो थ्रू आउट डिसेंट रहा था, अब मैं बिल्कुल जो है वो एकदम से एक ऐसी चीज़ पे जंप कर दूँ जो बिल्कुल ही जो है वो मेरी इमेज के ऑपोजिट चली जाए. नहीं, एक्टर्स के लिए ये चीज़ नहीं होती. बट ऑब्वियसली अब थोड़ी सी डिफरेंट कैरेक्टर मिले तो आपकी जीत है ये. कि देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो मॉर्निंग शो होस्ट थोड़ी है कि इमेज का ख्याल. बट अभी आप देखिए प्रोबेबली एक नेगेटिव चीज आप लोग देखने वाले हैं बहुत जल्द. ओहो यस. मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि आगे आने वाले ड्रामों के लिए तुम्हें दाढ़ी मूछें रखनी पड़ेंगी बेटा. कौन सी तुम्हें हीरोइन मिलेगी अपने साथ की बताओ? तो पूरे उगे भी तो सही आती नहीं है ना, कहाँ से आएगी? लेकिन भाई जी अच्छा है ना, एक पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे. क्या करते हैं? करेक्ट. एक हम लोग जो है ना वो एक टैबू तोड़ेंगे कि दाढ़ी के बगैर भी जो है बिल्कुल. और क्या, व्हाई नॉट? अरे मैंने सुना तुम कॉन्सर्ट्स वगैरह भी कर रहे हो. जी पहले से कर रहे हैं ना. बच्चा पैसे कमा रहा है भाई तरफ से. माशाल्लाह कमर्शियल्स ये कर रहे हैं. माशाल्लाह कॉन्सर्ट्स माशाल्लाह ये कर रहे हैं. तो इनको इनसे आप ये नहीं पूछेंगे आगे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ कर रहे हैं. माशाल्लाह. अच्छा और अब मुझे माया तुम बताओ, तुम लाइक तुमने समझो एक एक्टिंग में कमबैक किया ना दोबारा. मेरा तो पहला प्रोजेक्ट था वापस आने के बाद. तो अब तुम बताओ, तुम्हें जो है वो देखना पड़ रहा है कि मुझे कैसे कैरेक्टर्स ऑफर हों, क्या तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, किस तरह के कैरेक्टर्स करना चाहती हो? पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली जब अभी कमबैक हुआ है तो नया नया तैरना शुरू किया. उसमें एक से दो चीज़ें जो इस प्रोजेक्ट की वजह से मुझे समझ में आई बिकॉज ऑफ द टीम एंड द प्रोडक्शन एंड द डायरेक्टर ऑफ कोर्स, वो ये था कि अब जो भी किरदार आए, क्योंकि आई हैव बीन टू ब्लेस्ड इन माय पास्ट. आपको याद है कि चाहे वो नूरुद्दीन शाह हो, चाहे वो इमरान असम साहब मरूम हो, उन लोगों ने किरदार ही मुझे सोचकर लिखा. तो कोई ऐसा किरदार जो मुझे सोचकर लिखे, क्योंकि तुमने एक्टिंग अपनी प्रूफ कर दी फिर से, जो भूल गए थे उनको याद आ गया. ऊपर वाले का और मेसन भाई का बहुत बड़ा इसमें जो है वो हाथ है. लेकिन मैं सिर्फ इतना ये चाहती हूँ कि आप जो भी किरदार मेरे लिए लेकर आए, हाँ. वो ये ना हो कि कोई और नहीं मिला तो हम माया को रख लें. ओके. ठीक है. हाँ. दूसरा ये कि वो लिखा ही जाए कि माया को जहन में रख के लिखा जाए. हाँ. ठीक है. और दूसरा उसी तरीके से कंसीव फिर वो डायरेक्टर करे, क्योंकि ऑन द सेट वही करता है. जो निकालता है ना एक किरदार को, वो डायरेक्टर निकालता है. तो एक लिखने वाला और एक बनाने वाला, इन दोनों की अलाइनमेंट हो
मुझे लेकर, मेरे किरदार को लेकर, तो 100 बिस्मिल्लाह कुछ भी करेंगे। वाह वाह वाह। और हिब्बा से मैं ब्रेक के बाद पूछूंगी, हिब्बा दिल या दहलीज वाली हिब्बा, और अब की हिब्बा क्या सोचती है जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। समझता था समझदार है, रिश्ते को ठीक तरह से चलाएगा, उसके और एनी के दरमियान दूरियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। अभी तक वो इस रिश्ते को ही नहीं तस्लीम कर रहा है। पसंद करती हो एक दूसरे को, तुम तो करती हो, शादी कर लो। हाँ हमें शादी से कुछ नहीं है, लेकिन फाखिर हम निकाह में हैं, निकाह कोई मजाक नहीं होता है। तुम्हारी बीवी जरूर है, लेकिन इस घर की बहू नहीं है, इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ आयशा है। तुम चाहते क्या हो आखिर? अपनी फैमिली के साथ वहाँ गुज्जरें उड़ा रहे थे तुम, और मैं क्या चाहती हूँ? अकलौता बेटा है फाखिर भाई साहब का, जो कुछ उसका होगा उस पर हक होगा हमारा। शौहर न बन सके, कम से कम अच्छी बात तो बन जाए। इतनी उम्मीदें मत बांधना मुझसे। इसी डर को तुमने अपने अंदर से निकालना है, क्योंकि ये डर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगा। अब तो ये हाल है, अब सवाल है, देखा न था सोचा न था ऐसा मलाल। वेलकम वेलकम बैक। मैं भी देख रही थी, जैसे ये सब देख रहे थे ऊपर हमारा स्क्रीन लगा, मेरी आंखें यूं ही भी नहीं वापस आए हैं। तो माहिरी की कास्ट आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है, और हम उनसे कर रहे हैं उनकी खुशियाँ सेलिब्रेट, उनकी मेहनत, उनकी सक्सेस सेलिब्रेट आज आप लोगों के साथ मिलकर। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने हिब्बा से कहा था कि वॉट नेक्स्ट, ये सब कुछ करने के बाद, अच्छा मशहूर प्रोजेक्ट करने के बाद, अब हिब्बा क्या लाइन लग गई है बेटा आपकी, पता चल गया वापस आ गई है एक्टिंग में दोबारा। क्योंकि अनलाइक दीस पीपल मैं ऑलरेडी करके गई थी काफ़ी सारा कुछ, तो जब वापस आई तो लोगों ने ये जरूर कहा कि चली क्यों जाती हो यार, ये तुम फिर भाग जाओ। इसको दौरा पड़ता है। हाँ लिटरली डर लगता है, इसको बांध के रखो। एग्जैक्टली, तो ये जरूर आया कि फिर भाग जाओगी तुम, तो तुम पे तुम वो घोड़ा हो जिस पे पैसे लगाए जाए या नहीं। तो मैंने कहा लगा दे, इस बार मैं कहीं नहीं जाने वाली, सॉर्टेड हूँ। तो ठीक है, खैर। लेकिन मायरी ने ग्राफ वाकई इतना ऊपर कर दिया है कि अब कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो करके कर रहे हैं कि ठीक है कर लेते हैं ओके। और नेगेटिव में इतना दम था निदा कि मुझे लगता है कि मायरी में जहाँ सब सीधा आके अपना मौकफ रखते थे, मैं चीख के लड़के रखती थी, तो वो इतना लाउड हो गया मेरे लिए, इतनी नफरत मिली कि उतना ही प्यार मिल गया नफरत के साथ, लव एंड हेट वाला सीन हो गया। अब जब कुछ सीधा कहूँगी तो पता नहीं लोगों को मजा आएगा या नहीं आएगा, आई डोंट नो, आई एम एन एक्टर, आई कैन डू दैट एज वेल, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत देखना पड़ेगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी आई एम डूइंग टू प्रोजेक्ट्स डिफरेंट चैनल्स के लिए, इसके लिए बता दें अच्छा तुम लोगों ने 8 महीने एक साथ काम किया, और जाहिर है 8 महीने में आप एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं, साथ उठ रहे बैठ रहे होते हैं सारा सारा दिन, अपनी फैमिली से ज्यादा आप अपने कलीग्स के साथ होते हैं। सो मैं ना तुम लोगों को तुक्का लगाने का मौका दे रही, और आदत पसंदीदगी नापसंदीदगी ये सारी चीज़ें ऑन स्क्रीन चलेंगी, तुम लोगों ने गेस करना है कि ये चारों में से किसके बारे में, ये एरो मैं किसकी तरफ करूँ। ओके रेडी गेट सेट। हाँ भाई, पहली क्वालिटी क्या है, मैं सोते हुए खराटे लेता या लेती हूँ, ये किसकी क्वालिटी होंगे सभी हो सकते हैं, ये किसने बताया है अपने बारे में, कौन सबसे ज्यादा सोते में खराटे लेता था सेट पे, हिब्बा। मुझे यकीन है मोस्ट वैसे मैंने इसको देखा है खराटे लेते हुए, मैं खराटे नहीं लेती, ये खराटे नहीं लेती, तुम्हें सुनाई दे रहा होता सोते, मैं खराटे नहीं लेती, ये नहीं खराटे लेती। अच्छा ये नहीं लेती मैं, लेती आई हैव वीडियोस ऑफ मुझे मुझे माया ने भी बताया, मुझे मीसम ने भी बताया, और माया ने तो एक दिन हम लोग ना चादर, क्योंकि मेरी चादर एक ना बड़ी मशहूर थी, बाबा जी की चादर थी वो, सभी ओढ़ते थे, दस्तखान भी बन गई थी हम लोग ना दोनों ओढ़कर, क्योंकि ब्रेक था काफी लंबे लोगों के बाहर शूट हो रही थी, तो हमने कहा चलो नींद कर लेते हैं, अब डांट डांट के सो जाए माया खान, थोड़ा सा नींद ले लेते हैं, अच्छा चलो सही है, चादर ओढ़ी दो थोड़े बाद मैंने रख के पीछे से मारा, मैं आवाज बंद। दिखाओ भाई, क्या ये सब लोग हिबा की तरफ इशारा करें और ये इशारा दुरुस्त है? मतलब नेशनल टेलीविजन पे लोगों ने बता दिया कि मैं खराटे लेती हूँ, वाह वाह वाह।
थकती भी तो बहुत है ना, थकी हुई डबल डबल शूट्स वगैरह गए, आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली कोई सीधी बात है, साइनस का इशू होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात, नाक भी लंबी है ना इसलिए एग्जैक्टली आप फंस जाते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वालिटी बताइए किसकी है। अगर मुझे मेरी नाक तब्दील करने का मौका मिल जाए तो मैं अपनी नाक पकौड़ा कैटरीना कैफ से तब्दील कर लूं। कैटरीना कैफ से ये क्यों कहेगा? नहीं, माया की तो ऑलरेडी कैटरीना कैफ वाली ही है। तुम हो ये। नहीं नहीं, मेरी ज्यादा अच्छी है। आई लाइक दैट। तुम हो ना? शरावन है। ये है ना, ये होगी। ऐना लग रही है। आई थॉट दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। क्या? I thought that was really unexpected. मुझे लग रहा था you guys won't get it. It's you. Oh, अच्छा, तुमने जो acting की थी ना मेरी, ये मुझे point करने का समझ आया। नहीं नहीं पकड़ा ना, दिखाओ जरा सभी को ऐना की तरफ इशारा करें। Oh God. Oh, आंखें किम्मी काटकर जैसी, नाक कैटरीना की। ये खाई तो I don't hate my nose. काट कर कहाँ से ढूंढ के लाई है तो? माया जी, वो चुम्मा चुम्मा आ गया जैसे चाय। I don't hate my nose. I'm like I want to चुम्मा चुम्मा तो सुन लो। नहीं ये ना कैटरीना की है। हाँ चार मोहम्मद कैफ जैसी। अगर हम चार लोग एक साथ बात करेंगे तो किसी की भी आवाज, जब तुम लोग जिस भी शो पे आओ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता ना, चार शो एक साथ चल रहे होते हैं। मैं तो कोशिश कर रही हूँ चुप रहूँ भाई, सीधी बात तो बोले। नहीं बिल्कुल बोले, बहुत इल्जाम है। खैर आगे बढ़ो। ओके भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट। बड़ी से बड़ी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन लोगों के भाव करने से, भाव नहीं भाव, भाव करने से डर जाती हूँ या जाता हूँ। माया है ये माया ही है क्योंकि ये ना अपने जोन में होती है, तो अचानक सिर्फ माया ऐसे हो और कोई भाव कर दे तो दुरुस्त है। माया जी, बेटा तुम्हारी खैर नहीं है, है ना? अब तुमने ये ऑन स्क्रीन बता दिया, तुम्हें जो भाव भाव होंगे ना हमारे शो के लोगों को। Let the dogs out. चलो भाई, the Gen Z is not laughing in this. The Gen Z is looking at it. Okay भाई, next सवाल। दाल चावल और आलू कीमा देखकर मेरी भूख मर जाती है। और ये दाल चावल और आलू कीमा कौन है सोचे हमारे कंठ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, चुप, मुझे पता है, चुप कर जाओ। ये शायद मायरी के बाद से हुआ है, कह भी नहीं। हाँ नहीं, हाँ फेवरेट था ना भाई, आपका फेवरेट था इसलिए बनता था। हाँ बस ज्यादा, लेकिन इसको नहीं। चावल और आलू कीमा से तुम्हें भूख मर जाती है, जो कि बहुत आता था रोज। अब निदा वो कह देंगी जो नहीं, इतना अच्छा था जनरली, बहुत अच्छा था, लेकिन शोरवा नहीं था जिसमें सिर्फ आलू तैर रहे थे, शुक्र करो। बहुत सारी जगह पड़ती है, जस्ट दैट कि हम थक इतने जाते थे कि जब आप बहुत हर जगह मर जाती है आपकी, भूख मर जाती है आपकी, बाय द टाइम जब भूख मर जाती है आपकी, सब कुछ ही मर जाता है। क्या कह दिया है मैंने? दाल चावल और आलू कीमा वाला दिखाओ, ये यही है वो शख्स। अभी डॉक्टर साहब का फोन आने वाला है सबको आज खाने में। कढ़ाई नहीं खाई क्या शख्स? कितनी दफा आई 8 महीने में कढ़ाई? सेट पे हमारे यहाँ परसों बनी थी घर पे। हाँ नहीं, मैं तो सेट पे वैसे ही बता दिया करो, लेकिन और भी मजीद कि मुझे नहीं खाना आलू कीमा, अब कढ़ाई भिजवा दे, अभी नया प्रोजेक्ट है ना, नया प्रोजेक्ट है ना, सीनियर से बोल रहे हैं। आगे चले मुका दे इस बात को, फोन आ जाएगा प्रोडक्शन हाउस से। छोटा है बच्चा है ना, उसको नहीं पता अभी क्या बात करनी है क्या। चले जी नेक्स्ट। अगर मेरी लॉटरी खुल जाए तो मैं कोई ऐसी चीज खरीदूंगा या खरीदूंगी, अभी ये गागी में फंस गई मैं, जो मुझे अनलिमिटेड चाय दे सके। ऐना जी जी जी, ये इतनी चासी है, बिल्कुल चासी। आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ चाय। दिखाओ जरा,
मैं दिखाओ क्या ये सच है? मैं अपना थर्मस लेकर आती हूँ और उसमें से सब पीते हैं, लेकिन हम सब अगर मेरा बस चले तो पूरा थर्मस में खुद ही पी जाऊँ। ये मैं सबको बता दूँ, बहुत चाय पीती हूँ। एना की अम्मी मेक्स द बेस्टेस्ट टी इन द वर्ल्ड। एना खुद भी बड़ी अच्छी चाय बनाती है। हाँ, मैं खुद बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। अरे ममा यूज द सेम रेसिपी, इट्स द सेम चलो चाय की रेसिपी है ना सबसे सुनते हैं। अगर दो कप नॉर्मली हमारे घर में तीन कप बनते हैं या दो कप बनते हैं, तो एक कप पानी, एक कप दूध, दो चम्मच गुड़ और दो चम्मच गुड़ चीनी यूज नहीं करती मैं, गुड़ यूज करती हूँ, ब्राउन शुगर बेसिकली, ब्राउन शुगर और फिर पत्ती। मैं मुझे लग रहा है कि उर्दू बोलूंगी तो कुछ गलत बोलूंगी, गुड़ में फिर सब मुझे मजाक उड़ाएंगे। मेरा सही था, सही था ना, सही था। वर्ड आवे, अरे रेसिपी कंप्लीट करो एंड देन पत्ती, मैं उसको आई जस्ट बिंग इट व्हाटएवर फील्स राइट। चलो शाबाश, दो कप लेके आओ। शाबाश बेटा, भाई साहब कुछ और चाहिए आपको? छतरी लेके खड़े हैं। गुड़, पत्ती, एक कप पानी, तो एक कप दूध, दूध पत्ती बनाती हैं आप? यस, दूध पत्ती। और फिर जब वो उसमें उबाल आ जाता है तो उसको सही पका के, अच्छी सी पका के, हाँ वो क्या होता है, तो छन्नी, छन्नी व्हाटएवर दैट इज, हाँ तो उससे मैं लाइक, हाँ अच्छा, डोई 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 डोई, उससे मैं फिर पकाती हूँ। हाँ, किसकी? चाय वाला, चाय। ओके, नेक्स्ट सवाल। पकाती हूँ बहुत, क्या यार सॉफ्ट क्या है, अच्छा तुम बनाओ। आगे आगे सुनो, मेरे फ्रिज में से सब खत्म हो जाए लेकिन वो सफेद वाली कोल्ड ड्रिंक कभी खत्म ना हो। ये कौन है सफेद वाली? ये है बाबा। ये कैसे हो यार तुम लोग, ऐसे लग रहा है 10-15 साल से हम लोग साथ ही। मैंने मैंने एक चीज नोटिस की है ना, इशारा नहीं रोकना, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। एक बार पहले देखो ये सच है कि नहीं, दिखाओ। सच है, सच है, सच है, मुझे तो मेरी वाली चली जाती थी और मैं फिर अभी पड़ी है। मैं क्वांटिटी ज्यादा नहीं लेती हूँ, मुझे खाने के साथ मुझे ऐसा लगता है कांट ईट फूड विदाउट, खतरनाक हुई है। डोंट टेल मी, इतनी सी भी जो तुम पी रही हो, ये जो भी डाइट तुम करोगी ये जहर है। तुम वो ले लो ना, स्पार्कलिंग वाटर ले लो, उससे काफी तुम्हारी सुकून एक दिल को मिल जाएगा। सीरियसली, स्पार्कलिंग वाटर किसी ने मुझे बताया था कि अगर आपको ये छोड़नी है। हाँ, वो जो उसका शायद आई थिंक सोडा फील जो है वो ही मुझे, स्पार्कलिंग वाटर ले लो। हाँ भाई, ये तो बहुत नुकसान, अभी स्क्रीन पे बता दिया। तो इतनी सी पतली होगी तो वो इतना बड़ा मुंह आता है तुम्हें पता नहीं? एग्जैक्टली, हाँ फिर एक बार मेरी कहानी बता दी गई है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं अपने टैग वाले जूतों को इसके टैग वाले जूतों से डे वन से मैं पीछे पड़ी हुई हूँ। आई नो दिस इज ट्रू, आई नो दिस इज ट्रू। टैग वाले जूते क्या मतलब? बेसिकली एक वेस्ट में ना एक स्टाइल होता है, सही है, कि जो जूते आप वहाँ से अगर कोई भी खरीदते हैं ना तो उनमें टैग लगा हुआ आता है, सही है। तो दिखाने के लिए वो बाहर के जूते सब टैग नहीं उतारता। वो क्या होता है, वो बाहर वाले जो लोग हैं ना, जो भी अंग्रेज वगैरह, उसका टैग नहीं उतारते। जो भी वैसे सेलिब्रिटीज वगैरह भी जो है ना, वो एक ब्रांड है बेसिकली, तो उसमें टैग लगा हुआ। भाई उस ब्रांड का नाम ले दो, यहाँ नहीं है अगर तो। ऑफ वाइट्स एक ब्रांड है। अच्छा, ठीक है, तो आप उनके जूते अगर पहनते ना तो उनका साथ टैग होता है। हाँ। अभी ये लोग कहते हैं टैग काट दो, टैग काट दो, मीसम भाई ने काट ही दिया उस जूते का टैग आखिरी दिनों में। जबकि आप टैग लगा हुआ पहनते हैं, मतलब वो होता ही बेसिकली पैसे ही उस टैग के, आपको पता पैसे ही उस टैग के जूते के लिए नुकसान हो गया। तो क्या इस तरह टैग लटक रहा होता है? बेचने वाला किस तरह का टैग होता है? बेचने वाला नहीं होता, यंगस्टर्स के जूते ना हमें नहीं पता भाई। वो जो जिन लोगों को पता है जूतों के मामले में तो उनको पता होगा कि वो बेसिकली जूते के साथ ही जो है ना लेस में टैग लगवाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो वो उसका प्राइस टैग नहीं होता लेकिन वो ब्रांड का जो है वो बार कोड होता है। और कटवाया बस उन्होंने का काटो इसको बस। अच्छा, सब कुछ हो रही थी उनको ये लग रहा होगा कि वो वाला टैग है जो कपड़ों वपड़ों का होता है। exactly, काटना है। तो वो सबको यही लगता था कि मैं जानबूझ के दिखाने के लिए कि मेरे नए जूते में पहन गया। गूगल से दिखा देते ना भाई। और क्या, और कटवा भी लिया ना उसने। अब मैं भाई पुराने जमाने लोगों के लोगों को समझाना पड़ता है, कह रहे काटो। ओके, नेक्स्ट सवाल।
बचपन में लोगों की गाड़ियों के टायरों पर अंडे मारा करती थी या करता था? पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि ये माया खान है। वेरी गुड माया, जबकि मुझे भी यही लग रहा है, पता नहीं, शरारती बहुत है ना ये। उन्होंने खिड़कियां भी तोड़ी। मैं भी बच्चा हूं, मैं तो करूं किधर जाऊं? क्या माया जी, माया जी, ये डेफिनेटली माया जी, दिखाओ जरा, दिखाओ ये जो अनजान बन रही है। हां हां बिल्कुल बिल्कुल, यकीन था। क्या करती थी तुम अंडे? क्या करती थी? मारती थी लोगों के ऊपर? लोगों पे तो नहीं, फसा दिया, फसा दिया। टायर्स पे मारने की क्या तुक है? टायर्स पे तुक क्या है यार? वो बस शरारती थे, देखिए शीशे पे मारती बहन, समझ आता नहीं, वो गंदा होता, नजर नहीं आता। हाँ। टायर पे मारते पे कहते आपका पहिया घूम रहा है, आपका पहिया घूम रहा है, साइड पे कर लेते थे लोग घबरा घबरा के कि कहीं टायर पंचर तो नहीं हो रहा। मैं तो सब सच बोलती थी, टायर घूम रहा। वैसे ये वाली जो छोटी छोटी शरारते हैं अलग अलग होती है, लोग बेल बजा के भाग जाते हैं, लोग बालकनी से पानी फेंक देते हैं नीचे। ये नाना के घर तक आ गए थे एक दफा, तो लोग फॉलो करते करते हमारी तो हालत खराब हो गई। अब माए नाना बड़े कोई मतलब, सुनो हमने तो तुम लोगों की एज में ये किया है ना, और सब बस तो इतने जमाइया ना लो। हाँ। इतना बोरिंग शो भी नहीं है, सुबह आपने उठा दिया है, मैंने नहीं उठा दिया। सही बोला, इतना बोरिंग भी नहीं है, इतना बोरिंग भी नहीं है। हाँ। है ना, सुनो हमारी उम्र, तुम लोग हम लोग ये करते थे, तुम लोग क्या करते? हम लोग ने भी किया है ये, अब नहीं कर सकती। ये मेरा टायर घूम रहा है, ये काटती है, मेरा मुंह काटती है। I bite the people I love। मम्मा भी, मम्मा ने, I'm shocked कि लास्ट शो में मम्मा ने ये नहीं बोला। कभी बाल खाती है, ये पकड़ी नहीं खाती है। तो इतना बुरा पोट्रे करते हैं मुझे। मैं एना जी, I do it out of love। मैंने बालों का बताया। कैल्शियम की गोलियां मंगाई। नहीं, कैल्शियम डेफिशिएंसी। आप मेसम भाई हैं और आप कोई सीन समझा रहे हैं और मैं एना, ठीक है? आप बस सीन का थोड़ा समझाइएगा, मैं एना की तरह एक्टिंग करूंगी, ठीक है? कोई सीन समझाएं। अच्छा आप है ना, आपने रोना है बच्चे को पकड़ के ना, आपने पूरी शाहरुख खान की तरह नहीं, ऐना आसिफ की तरह। That's my coping mechanism। ये एक चीज है, अभी खुद सूंघ रही है ना, तो अब मैं अगर बराबर खड़ा हूँ मेरे बालों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, देखो। नहीं बेटा नहीं, प्लीज दूर। My hair smells amazing। अच्छा वो भी बता दो, जो वो बता दे सबको क्या है। Don't you dare। अच्छा ओके डन, Don't you dare। सारी बातें ये बहुत रात पास हो रहे, कुछ ख्याल मेरा कुछ ख्याल कर ले यार। Guys success party। हम तो अपना अच्छा, I bite the people I love। ये success party से बेइज्जती party बन चुकी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Good morning। सहेली मायरी, सहेली मायरी, दुखों की सहेली मायरी, बर्तनों से खेलना था, गुड़ियों से बोलना था, चुप सी हो गई क्यों मायरी, कागजों की कश्तियों में बचपन को तैरना था, हमने खो गए क्यों मायरी। अब तो ये हाल है, हर पल सवाल है, देखा न था सोचा न था ऐसा मलाल, कांटों पे सो गई क्यों तेरी जिंदगी, हर फर्श पर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज माहिरी की कास्ट हमारे साथ मौजूद है। हम मैं बातें मत करो, मैं बोल रही हूँ, मेरा दिमाग तुम्हारी तरफ जा रहा है। अब देखिए इन दोनों के फड्डे होते थे माहिरी में और इन दोनों के फड्डे होते थे, दो फड्डेबाज लोग हमारे पास, दो फड्डेबाज कपल मौजूद है। ये तो सौतने थी इसलिए फड्डा करती थी, ये बच्चे साथ मिला दिए थे इसलिए फड्डा करती थी। साहब मैं तुम्हें फड्डे करवाना है, अखाड़ा बना दिया हमने, फड्डे करवाएंगे। करवाओ करवाओ। हाँ सिचुएशंस देंगे, पोल फड्डे और क्या, मजा आता है। फब्बे कुटनी हूँ ना मैं। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं।
अच्छा तो भाई पहले तो मियाँ बीवी के लिए जरा फड्डा होना चाहिए बीच में, तो आम बातें होती है, क्यों लड़ाई होती है? आदमियों का वैसे ही शौक होता है फड्डे करने का, कभी ऑफिस का उबार निकालने का। ठंडा खाना मुझे क्यों दिया है? सारा दिन का थका हारा आया हूँ मैं, और इसलिए कि मुझे घर में दो वक्त की रोटी जो मिले, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कमा के लाता हूँ, कमा के खिलाता हूँ तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा पेट पालता हूँ, ठंडा खाना दिया हुआ, मैं क्यों लड़ी? सबसे बड़ा मजा आज का हवाओं से निदा का। क्या आप अपने घर में लड़का तो नहीं जो ये वाली बात कर रहा है? घर में नहीं होता जो, वो यहाँ कर लेती हूँ भाई। हमारी क्या मजाक, हम लोग अपना सीन लिखना है, पंगा ले अपने मियां से। आई थिंक आप दोनों फड्डा कर, मैं फड्डा करा दूं दोनों का। क्या हमें एक्टिंग करनी है? हमें एक्टिंग करनी है। अच्छा तो मैं आया हूं, खाना लाके दो, खुद ले लो। बात सुनो, इतने आराम से नहीं खड़े होकर, जरा हम लोग सोनम करते हैं ना, फड्डा करना है थोड़ा, आज लाउड हो जाए। अमोल पालेकर बनने की जरूरत नहीं है, अमोल पालेकर नाना पाटेकर बनना। अमोल पालेकर आओ आओ, फटा करो खाना लेके आओ। ये दोनों आज करके आई हैं, ये मुझे भी करना है। अरे थोड़ा यार, सुबह सुबह फटे, हां चलो नाना पाटेकर ऐसे फटा नहीं करना बेटा, खाना लेके आओ। सिचुएशन दी उन्होंने, हां खाना लेकर शुरू तुम, ये लोग चलो सही है। अच्छा मीसा दिया मेरे को, तेरा एक्शन बनना पड़ेगा क्या? हां भाई तुम मीसा बन जाओ, चलो खाना जीएम का है, जीएम जीएम भाई एक्शन। आई डोंट बैग रख दिया यार, वो खाना ले आओ। सही है खाना, मैं गुड वाइफ। ये क्या है? क्या है फिर? वही लौकी, लौकी का सालन। इस घर की परंपरा है लौकी। मेरी अम्मा ने बनाया आलू की और दाल चावल। अम्मा यहाँ क्या कर रही है? खाने बनाने का काम तुम्हारा है? तो डॉक्टर साहब का फोन आएगा ही आएगा। हंसी जा रही है, सो ही नहीं मुझे तो अनाया को संभालने के अलावा, जब मेड लाके दी तो उससे काम करवाओ उसका। तुम अन्ना को बोल दो ना तुम्हें खाना बना के भेज देगी वैसे से। अन्ना खाना नहीं बना सकती, तमीज से रहो। तुम बनाओगे, शादा खाना बनाएगी। शादा बाजी, शादा जी, हम तुम्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं लड़ना कैसे है। हमने तो तुम ये ऐसे नेचुरली होगा ना, नेचुरली लड़ा जाएगा ना। हमें स्क्रिप्ट दें, हमें आप स्क्रिप्ट दें बहुत सी नंबर बना के देंगे। तो बहुत ही प्यारे, इनको तो लड़वाया जाता था कुछ कर कर आके। राहिला लड़वाती थी वरना नहीं लड़ते। नंबर्स भी मिल रहे हैं ऑडियंस से, देखो तुम लोगों क्या नंबर दिए, दिखाओ जरा पोल। किस चीज पे? तुम्हारी एक्टिंग पर। तिरथी तीन नंबर दिए हैं। कब ये किस पे में हिट हो रहे हो तुम लोग? अभी अभी यहां पे बोले होए 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 होए। सिचुएशन जरा धमाकेदार करना। चलो अब फेल हो गए हिबा और माया। ठीक है आने जरा करे जाने। हां माया जी जरा माया, कल आपकी सिचुएशन ये है कि कमेटी तुम लोगों की निकलनी थी, बीसी तुम लोग तुम्हारी खुलनी थी, ठीक है, और इसकी खुल गई, ये नाइंसाफी हुई है, तो आपने झगड़ा करना है इसके ऊपर कि ये क्या है ये। अच्छा मेरे साथ ज्यादती हुई लगा हबीब पे, यहां भी हबीब पे झगड़ा नहीं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। समर ऐसे ये ही पहन के जाओ, ये हाल है। कमेटी पे लड़ना, पता है ना कमेटी में क्या होता है? मेरी कमेटी निकली और आपकी निकलनी थी और आप मेरी निकली। अच्छा मुझे तो ये भी नहीं पता कैसे निकलती है, क्या होता है। अच्छा तो तुम्हें मिल गई है पहली कमेटी? हाँ तो मेरा नाम आ गया तो मेरी कमेटी निकल गई। ऐसे कैसे नाम आ गया होगा? जाके कहा होगा ना कि मैं माया खान हूँ और नाम आ गया होगा फिर? नहीं, नाम की जरूरत ही नहीं है इस्तेमाल करने की, लोग पहले ही सोच लेते हैं। दावत कर रही थी पिछले हफ्ते, फड्डा तुम भी कर लेती। अच्छा अब तुम मुझे सिखाओगी कि दावतें करके कमेटियाँ निकलवानी है मैंने? हाँ नहीं, खुद भी तो कर सकती थी। मुझे लड़ाई नहीं जा रही, इतनी प्यारी लग रही है। वैसे तो देखो तो चार नंबर देना। ये देखो जरा नाम कटवा के, मैं कह रही हूं इतनी अच्छी एक्ट्रेस है और फलाना, इतनी गंदी सिचुएशन है कमेटी, और मैं जुमले पे जुमला मार रही हूं और हंसी जा रही हूं उसको रोमांस आ रहा है शक्ल देख के। कोई और दे देती हूं कमेटी। हां हां, मेरे घर के आगे कचरा क्यों फेंका? दो पर बनाने। हां ये आ जाओ, सिचुएशन चेंज। हां चलो अब सुबह सुबह मैं अपने घर की सफाई करूं आगे से और तुम कचरा फेंक दो आके वहां।
हाँ तो और कहाँ फेंकती जा, खाली जगह थी वहाँ फेंक दी मैंने, तुम्हारे गेट के आगे खाली जगह मिली मुझे, मैंने वहाँ मेरे गेट के आगे खाली जगह थी और तुम्हारे गेट के आगे भी तो है खाली जगह नहीं थी जब भी, तो वहाँ पे तुम्हारा मियाँ गाड़ी खड़ी करके चला गया था तो मैं और क्या करती, अपने घर में रख लेती कचरा, तुम्हारे मियाँ को ना रख लेती अपने घर में, रख लो वो भी किसी कचरे से कम नहीं है। हाँ तो ये बात दुनिया के सामने बोलो ना जाके घर से निकाल देगा। मियाँ की गाड़ी जो उनके घर के बाहर खड़ी थी ना, उसके बाद सिचुएशन कहीं और निकल गई। तुम ही रख लो भाई। चलो बच्चों तुम लोगों को सिचुएशन दे रही हूँ। अच्छा जी आजो भाई, चलो दोबारा तुम फोन पे अपनी अम्मी से समर की बुराइयां कर रही हो और समर ने हाँ। सुन लिया है पीछे खड़े होके, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं है। अच्छा। समर जो कह सकते हो कह दो, कम ऑन आधा पानी करनी हो जाए, फोन उठाओ, फोन पे बुराइयां। हां मेरा फोन तो यही रहा, मैं आता हूं यहां से, ये यहां खड़ी है, ठीक है, पीछे से आ जाओ। मैंने तुम डायरी से पहले सही था, अब फॉलोअर्स आ गए हैं तो ओवर हो गया है और सही से बात नहीं करता और आपकी भी बुराई कर रहा था, पता नहीं आपको क्या 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 बात चल रही है तुम्हारी। सच बता रही हूँ। क्या मतलब सच बता रही हूँ? खुद को तुमने अपने अपने आप को देखा है? तो मेरी बुराइयाँ करना शुरू हो गई हो? हाँ मैंने अपने आप को देखा है। बड़े अफसोस की बात है कि यार मतलब तुम दोनों का काम यही है। बिहेवियर चेंज था ना, मैं क्या करती? मेरा बिहेवियर क्या चेंज था तुम्हारे सामने? मैं भी वैसा ही हूं जैसा पहले था। एटलीस्ट मैं अपने माँ के साथ करी, किसी और के साथ तो नहीं बोली ना। माँ तुम्हारी आगे जाके सबको बताएगी। ये कह दिया और तुम चुप करके सुन रहे हो। चमन तुमसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, अफसोस की बात है। आग भी नहीं ले रही हो तो। अरे हम कैरेक्टर में हैं यार। हम एज फाखर प्ले कर रहे हैं। अभी तो ये मुझे थप्पड़ मार रहा है तो व्हाट फाखर उस फाखर। हाँ तो क्या कहाँ थे हम? कहाँ थे? तुम्हें बुराई करने के अलावा और कोई काम नहीं है? कभी मीसम भाई से, कभी डॉक्टर साहब से, कभी फहद भाई से, कभी किसी से, कभी कोई प्रोडक्शन ऑफिसर से। काम ही यही है। अफसोस की बात है, सारी औरतें मुल्क ऐसी होती हैं। हार्ट ब्रोकन। ये वो है। अरे ये वो नहीं था, ये वो नहीं था। आगे आगे ये आगे वो था। मैं भी था। वो ये स्टार पर होता था। सारी औरतें होती हैं। हमसे कोई ऐसे फड्डा करे हम तो कस्टर्ड बना के खिला दे उसको। मौत सीधी हो, तुम्हें पक्का करना पड़ेगा। हम पक्की है, कर नहीं रही है। तो मैं और माया को अगली सिचुएशन दे रहे हैं, नंद और भावजे। हाँ और भाभी। हम तो सौते जो शोहर है वो एक का भाई है और एक का मियाँ है, ठीक है। ये नंद भावज का रिश्ता ये होता है, ठीक है। और उसमें हो गई है नंद और भावज की लड़ाई, ठीक है, शुरू कर दे। हाँ मेरा शौहर वाला रिश्ता और तुम लोग उड़ा देते हो, ठीक है, तो आप देख लो कौन नंद बनेगा कौन साइका और आयशा वाला रिश्ता। नहीं नहीं मतलब मुहूर्त क्या है, हम अपना नहीं वैसे बता रही हूं। मतलब आई कैन बी नंद, यू कैन बी भाभी, ठीक है। वैसे तो मैं बड़ा शौक था एक दफा भाभी का, था हम भाभी कहते हैं तो मैं पूरी दुनिया के सामने भाभी। आपके पास नई सिचुएशन? जी 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 बताइए। हाँ बताओ, बोलो। बिजी तो नहीं है? कुछ कर तो नहीं रही? दिख रही हूँ बिजी। नहीं फारिग होना इतना क्या पूछने का? वो तो हर वक्त ही आप मुझे लगती हैं फारिग, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो गुलाबी रंग का सूट भाईजान आपके लिए लेकर आए हैं, उसी तरह का सूट उन्होंने मुझसे कहा था लाने के लिए, तो नहीं लाए होंगे? नजर तो नहीं है कि आपने मेरा सूट ले लिया? नजर रखी हुई है तुमने मेरे कपड़ों पर? मुझे कोई शौक नहीं है आप पर नजर रखने का। आप नजर जो रखती हैं उसके बाद कोई और नजर क्या रखेगा, नजरों से गिर ही जाएगा। अरे अरे अरे, तो क्या खाया था आज सुबह नाश्ते में तुमने? जो आपने पकाया था वही खा लिया था मैं। शुक्र करो मैं पका तो देती हूँ। बहुत शदीद पकाती हैं आप। मैं ना पकाऊं तो भूखे मर जाएं इस घर में। सारे घर की पका रखी है आपने। वो गुलाबी सूट जो था वो भाईजान मेरे लिए लेकर आए थे, मेरे लिए लाए थे, सेल पे से निकला था, जो कॉपी की थी किसी ने ब्रांड की। तुम्हारा शौहर कमाता है ना? हाँ मेरा शौहर कमाता है, मेरे लिए लाएगा। तुम अपने शौहर से कहना तुम्हारे लिए लाएगा जब रिश्ता हो जाएगा तो। आप होने देंगी तो ना गुलाबी जोड़ी? मैं कोई रोड़े अटका रही हूँ? गुलाबी जोड़ा पहनती रिश्ता आता शर्मा के ट्रे लेकर जाती, कोई लड़का पसंद करता, लेकिन नहीं गुलाबी पर आपकी जो आंखें और नीयत दोनों लाल हुई थी उसका कौन जवाब दे है भाभी?
आप दोनों गलत लड़ रहे हैं, वो गुलाबी सूट मेरे लिए लेके आए। दिखाओ भाई क्या नंबर है। अच्छा एक तुम लोगों की सिचुएशन थी ड्रामे की जो मैंने देखा था कि बच्चे की तबीयत खराब थी, वो काफी वायरल थी वो सिचुएशन, याद है तुम्हें? कौन सी वाली? जब तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब थी, समर डे से आया था, अम्मी के साथ तुम अकेली डॉक्टर के पास गई थी, से बहुत मीम्स भी बने। देखिए मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं लड़ती नहीं हूँ, तो मुझे ये आ नहीं शर्मा रही हूँ ना मैं। आप क्या चाह रही हैं? आप चाह रही हैं वो सिचुएशन पे हाँ। करें थोड़ा, चलो बच्चों करो उठो, तो याद करो ऐना को गुस्सा दिलाओ तुम हेबा। नहीं मुझे नहीं आता गुस्सा, गुड्डा का है, गुड्डा का आता है तो सब हिल जाता है, लेकिन आता नहीं है इतनी आराम से। भाग के जाओ, गुड्डा चाहिए मुझे। नगर यासर भाई, यासर भाई पूरी दुनिया के सामने सॉरी। क्या सीन था? अच्छा वो शाहरुख खान आता नहीं है कहीं? बहुत बड़ा मस्ती बॉय, सबकी कॉपीज करता ही है वही है जो तुमने किया था कि तुमने कहा पारो को छोड़ दो, मुझे लगा फंटास। क्या सीन था? मैं ऑफिस से आता हूँ, मैंने बैग रखा है, लेकिन कॉल्स तो उठा सकते थे ना मेरी। कॉल्स मतलब तुम लोग हर वक्त ये काम है, हल्की सी छींक मार दे तो तुम लोग कॉल मुझे करना शुरू कर जाते हो। हम अपनी स्क्रिप्ट करने लग गए हैं तो लेकिन फिर तुम बड़ी अम्मी को 2 मिनट तो बोल सकते थे ना कि मैं एनी से बात करना चाह रहा हूँ, 2 मिनट तुम निकाल सकते थे ना मेरे लिए। बस कर जाओ, घर में मैं तुम्हारी सुनूं, बाहर दोस्तों की सुनूं, कभी ऑफिस में जाऊं तो अम्मा की सुनूं, बस ये रह गया मेरी जिंदगी में। मैं तुम्हें बताती हूं मैं तुम्हें कॉल्स कर क्यों रही थी। इसकी तबीयत वाकई बहुत खराब थी फाखिर, और तुम जब नहीं थे ना यहाँ पे और अपने बाप होने की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे थे तो मैं अम्मा के साथ गई थी हॉस्पिटल। हाँ तो अगर एक बार तुमने इसका ख्याल रख दिया, अगर तुम इसको ऑफिस ले गई, ऑफिस नहीं सॉरी हॉस्पिटल, अगर तुम इसको ले गई, अगर तुम इसको हॉस्पिटल ले गई तो उसमें क्या थी कयामत आ गई यार। कोई पहली बार तो तुमने इसका काम नहीं किया। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है फाखिर, तुम इसके बाप हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई, बस मुझे माफ करो इससे और मुझे दूर रखो उससे, मुझे नहीं आते बच्चे संभालना। हमारे जब भी सेट पे कोई गुड्डा इस तरह का आता था ना, कोई असली नहीं निकले तो हम उसके साथ मनाएंगे क्योंकि माहिरी को आपने ही कामयाब बनाया। ये क्या? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शादीशुदा लड़कियां ऐसे बाहर नहीं जाती, बस छुपनी होती है। अरे नन्ही सी दुल्हन को तो देखो, तैयार हो गए तो ऐसे ही जैसे शादी में। अरे नन्ही दुल्हन को फूल तो बरसाओ। पेपर देने आई है शादी पर आई, अगली बार इतना मेकअप करके आई तो स्कूल से निकाल दूंगी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सब खुश इसलिए हैं कि ये जो सक्सेस है जो आपकी वजह से माहिरी को मिली है, ये हम आपके साथ
बांट रहे हैं, इस खुशी को आपके साथ बांटा जा रहा है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ जब मैं इनके ड्रामे का फ्लायर देखती हूँ। ऑब्वियसली मैं एआईवाई का हिस्सा हूँ, सो मुझे इतना अच्छा लगता है वहाँ, इतनी रेटिंग, मैं हैरान होती हूँ देख के, अल्हम्दुलिल्लाह, अनबिलीवेबल कि इतनी मेहनत। मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये पहले ही किस्त में मेरे पास आए थे मॉर्निंग शो पे, और इन लोगों ने मुझे बताया था, जितना कैमरे पे बताया उससे ज़्यादा मुझे पता था ब्रेक्स में कि इन लोगों ने कितनी कितनी मेहनत की है। ये तो बता रही थी नहीं, अपना ओढ़ना बिछोना ले आई थी उधर जी, 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 तो हकीम साहब और हाँ स्कूल के साथ किस तरह मैनेज करना, हमारा डॉक्टर, हमारी नर्स, हमारी टीचर, दम दुरुद करने वाले बाबा, सब कुछ। तो ये खुशी जो है आप लोगों के साथ सेलिब्रेट हो रही है, मैं तुम चारों को, क्योंकि देखो पूरी कास्ट मौजूद नहीं है, तुम चारों को मौका दूंगी पूरे सब लोगों का नाम लेके, यहाँ तक कि जो तुम लोगों के स्त्री भी करता होगा बंदा उसके भी नाम लो, क्योंकि इस सक्सेस में उसका भी हाथ है, है ना। तो जो जो जिस जिसको याद आ रहा है प्लीज उसको नाम लो, थैंक यू करो, इस सक्सेस में उसको भी शामिल करो। हमारे सबसे पहले एडीज मैं कहूँगा कि वजाहत भाई, बिलाल भाई, वजाहत भाई, जैन भाई, जो भी हमारे साउंड वाले थे, तकी था, जफर था, और लाइट लाइट वालों के तो मुझे ऑब्वियसली सबके इतने वकार भाई थे, सही है, और जी एम भाई ऑब्वियसली हमारे डी ओ पी, फिर उनके साथ हमजा भाई और बिलाल भाई, यू नो ही वाज द वन जो हमारे कपड़े वगैरह प्रेस वगैरह करते थे, और उन्हीं की वजह से जो है मैं सच बताऊं तो हम लोग जो है वो अच्छे लगे हैं। कपड़े अगर जाहिर अच्छे नहीं आएंगे स्क्रीन पे तो हम लोग भी जो है सबका इतना रोल, हमारे मेकअप आर्टिस्ट नाहिद आपी एंड ऑफ कोर्स अयान, हाउ कुड वी फॉरगेट अयान, ही स्टार्टेड विद अस। ये जो तुम लोग नाम ले रहे हो ना, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने तुम लोगों के आने से पहले वो क्रू पहुंचता है, तुम लोगों के जाने के बाद, एग्जैक्टली वो जाने से मतलब लाइक सबसे एंड में जाते हैं, तुम लोगों के जाने के बाद वो जाते हैं, सो सबको क्रेडिट मिलता है, लेकिन वो क्रू, वो अनथक मेहनत करने वाले लोग जो कैमरे के पीछे होते हैं, स्क्रीन के पीछे होते हैं, उनके बगैर कोई भी कामयाब नहीं हो सकता प्रोजेक्ट। यू नो हमें मुझे जब ये हम ऑफर हुआ था कैरेक्टर, तो अरसलान भाई मिले थे, तो बद्र भाई ने ऑफ कोर्स, थैंक यू बद्र भाई, आपने रेकमेंड किया, एंड आई विल फॉरएवर बी ग्रेटफुल टू यू कि उन्होंने कहा मेसम से कि माया काम कर रही है। एंड देन अरसलान भाई ने एक बात कही थी, अरसलान भाई कौन है? अरसलान भाई हमारे जो है जी एम है बिग बैंग प्रोडक्शन, अच्छा अच्छा अच्छा, एंटरटेनमेंट के। तो अरसलान भाई ने एक बात कही थी कि आपको, अच्छा कहने वाले तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि आपको हर बंदा यहाँ पर फैमिली वाला मिलेगा, आप हमारी बहन हैं, आप हमारी फैमिली मेम्बर हैं। मैंने कहा कह दिया होगा, लेकिन आखिरी इन 8 महीनों में वो राइडर जो तपी हुई धूप में हमारी मर्जी की, हमें कुल्फी खानी है, हमें दही बड़े खाने हैं, आरिफ भाई, विक्की भाई, आरिफ भाई, अली भाई, विक्की भाई, मोहसिन भाई, ये वो लोग थे जो बाहर गर्मी में, हम अंदर शूट कर रहे हैं, हम तो एक्टिंग कर रहे हैं ना, हम तो स्टार्स बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो बाहर तपती हुई धूप में रसीदे ना लिख रहे होते थे कि कहीं हिसाब किताब आगे पीछे ना हो जाए, और वो 8 महीने बाद साबित हुआ वाकई उन्होंने जो कहा था। सभी भाई वगैरह, सभी भाई द ड्राइवर्स, यार तुम लोगों को एक थोड़ा सा बीटीएस बनाना चाहिए था, जैसे होता है ना कि ड्रामा खत्म हो रहा है, बीटीएस है, बहुत है, मैंने बहुत बीटीएस बनाया है, थोड़ा जो हम चला सकते हैं ना, जिसमें सारे जो लोग कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं। मैंने बीटीएस बनाई है अपनी, मेरी माया खान की यूट्यूब चैनल पर है, जिसमें एक एक बंदा जो बिहाइंड द कैमरा है उसके चेहरे, तो फिर आप माया के यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, बिल्कुल आप सब लोग इसी कैसे कर रहे हैं, सफाई कैसे हो रही है, चाय किसको कैसी चाहिए, बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इन्होंने सबको प्रॉपर एक रिस्पेक्ट दिया। और एक बड़ा सबसे अच्छा काम होता है किसी को पानी पिलाना, तो अली भाई हमारे सेट पे थे, ठीक है, जो सबको पानी हमारे लिए लेके आते थे और बोलते थे आप अपना नाम लिखें, और रिमाइंड कराते थे कि पानी पी लें, आज आपने पूरा दिन पानी नहीं पिया है, वो बहुत खूबसूरत चीज है। स्नैक क्या लेंगे, रिफ्रेशमेंट में क्या लाऊं, आर्ट डायरेक्टर, अदर रिफ्रेशमेंट, हमारे आर्ट डायरेक्टर मुबशर भाई, मुबशर भाई, मुबशर भाई, शाहिद भाई, एवरीबॉडी, ओमामा, एसन इज वेल बैक व्हेन ही वाज, एग्जैक्टली एसन भाई, जो बच्चा तुम्हारा यूज किया था वो कौन, ओ नो, अमीरा, उसकी बड़ी बहन थी, उसका नाम उसका नाम मुझे अरबा कुछ करके नहीं, उसका अशना, अशना मुझे छोटी, कितने महीने की बच्ची, वो 7 महीने हमारी 6 महीने वाली बेबी थी, वो हम सब उससे बहुत अटैच थे, अमीरा तो वो हमारी पेरेंट्स आते थे साथ, अम्मी अब्बू,
उसकी मामा और दादी, कभी फुप्पो कभी मामा कभी दादी, ऐसे होता। शूटिंग्स रुकती है ना, बच्चा रोने लगता है। अरे बहुत हमसे मुश्किल है बच्चे के साथ। जो भी बर्थडे का सीन था, अभी बर्थडे का सीन था, वो दो तीन एज ग्रुप्स रहे ना बच्चों के, तो ऐना को तो बहुत फेस करना पड़ा, ऐना को और आयशा को, इन लोगों का बच्चे के साथ ज्यादा काम होता है भैया। मेरे साथ तो ज्यादा काम नहीं था ना बच्चों का, इन लोगों ने तो हर एज के बच्चे को देखा है, भुगता है, वो रोया भी है, हंसा भी है। बहुत तंग करते हैं बच्चे, अभी तो बहुत कुछ बाकी। ये दो, ये कुछ दिन रह गए हैं ना निदा, इसमें इतना कुछ रह गया अभी भी। इतना कुछ रह गया है जिसका लोग अंदाजा नहीं लगाते। ऐसे कल और परसों के एपिसोड्स में हबीब ने और राहिला ने कमाल कर दिया, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फाखिर और एनी ने कमाल कर दिया। ये दो वो ऐसे रुख पे जा रहे हैं जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज आखिरी एक ऐसी एज पे अगर 18.2 मारा है या 18.4 मारा है 7 o'clock स्लॉट ने, हिस्ट्री कायम की है, तो अल्लाह का बड़ा बड़ा एहसान मालिक तौबा के साथ कि ये आखिर वक्त में वहाँ छोड़ कर जाएगा इंशाल्लाह, कि आगे आने वाले प्लेस को बहुत सपोर्ट। अच्छा, आप बड़े ना सब हैरान और परेशान और एक्सपेक्टेशन इस स्लॉट से और बढ़ गई हैं। बेबी बाजी, देन माहिरी, नाउ What next? अच्छा नेता, जो काम भी अच्छी नीयत से किया जाएगा, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस की तरफ से हो, मेरा बिग बैंग के साथ ये पहला प्रोजेक्ट था, पर आई थिंक सारे बहुत अच्छी नीयत के सिंपल से लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ काम करना है, चाहे वो माया से लेना हो काम या समर से लेना हो, कोई पॉलिटिक्स नहीं है किसी के अगेंस्ट, कोई ग्रजेस नहीं रख रहा है, बस काम आना चाहिए, सिर्फ वो सेट पे टाइम कोई लाभी शॉबी वाला सिस्टम नहीं है ना, अभी बेहतर है, चाहे वो नापा का एक्टर है, थिएटर का है, टेलीविजन का है, कमबैक्स हैं, कुछ भी है, दे डोंट केयर, दे ओनली केयर कि वो टाइम पे आके काम करा के अच्छा सा काम करा दे, दैट्स इट, और फिर द क्रेडिट गोज टू मिसम। अच्छा लग रहा है आजकल के जमाने में किसी चीज की आप सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत बड़ी, और हमें दूसरे के लिए छोटी-छोटी ब्रेक में बता रही थी ना, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मुझे ये ना कहा हो कि यार मीसम ने द वे ही डायरेक्टेड इट, उसने पूरे एक एक एक्टर को वो मार्जिन दिया है, जिसको कह रहे हैं ना लोग अच्छा काम किया है, वो हम कहीं और भी तो कर सकते थे, नहीं मुझे मार्जिन नहीं दिया, मैंने जहाँ बाल खोले बाल बांध ले, तो कहने लगी मुझे डायरेक्टर ने बोला था, तो उसने एक्टिंग पढ़ी है नापा से, तो जब आप जब डायरेक्टर एक्टर होता है ना तो वो इतना हेल्पफुल होता है, वो ऑलरेडी थिएटर कर चुका हो, दास्तान कर चुका हो, जब वो कहानियां सुनता पढ़ता स्टेज फ्राइट ना हो उसको, उसको अपने एक एक वॉइस के उस एको का पता है कि ये लेवल आवाज का यहाँ पे ऐसे होता है, इज़न शेक्सपियर एज़ वेल, इतने हाँ मतलब इतने बड़े लिखे लोगों के साथ। आप जो अब हिबा और मैं बात कर रहे थे अभी, कल एक सीन आया था हबीब और आयशा का, शायद बाहर इतना ज्यादा पता नहीं क्या, मैंने तो देखा नहीं सीता, लेकिन वो सीन 40 मिनट में शूट हुआ था। ओह माय गॉड, और वो आसानी से शूट नहीं हुआ था, वो यूं हुआ था कि एक डायलॉग हुआ, पॉज, वहीं रुके में, दोनों वहीं रुके में, हबीब और आयशा, कैमरास दोनों मूव हुए और आंसू हमने रोकने, फिर उसके बाद एक्शन पॉज, एक सीन इस तरह 40 मिनट में हुआ था, मैंने कान पकड़ लिए थे, मैंने कहा सर आज तक मैंने कभी इतना मुश्किल सीन कभी नहीं किया। प्रोजेक्ट अच्छा होने में डायरेक्टर की के कंधों पे बहुत बहुत बोझ, बहुत बोझ होता है, और मेरे अब्बू मुझे बताते थे कि एक कोई उनकी सीरियल थी जिसमें एक नई एक्ट्रेस थी, उसका डिलीवरी की तकलीफ और वो सब दिखानी थी फेस पर, वो अनमैरिड थी लड़की, उसने कहा मुझे क्या पता, मुझे मैंने नहीं, मेरे अब्बू ने उससे कहा तुमने फिल्में नहीं देखी भाई इस तरह एक्सप्रेशन, तो अब्बू ना जज्बाती हो गए, क्योंकि मेरे अब्बू भी पहले एक्टिंग करते थे और वो करके दिखाते होंगे, पापा ने करके दिखाया जी जी मुझे बिल्कुल, तो जो सारी जितने भी क्रू के लोग खड़े थे वो भी करके हंसते हुए इधर उधर हो गए, तो अब्बू कहने लगे बाद में मैं जब उस फेस से वापस आया कि मैं एक डिलीवरी का सीन एक्ट करके दिखा रहा हूँ, कसम से, तो इतना हंसते हैं वो बताते हुए कि वो जब डायरेक्टर एक्टर होता है ना तो बहुत हेल्पफुल, कहीं पूरा फील निकाल लेता है, कहीं आपको ये नहीं कहते कि नहीं नहीं ये ज्यादा हो गया, आपको इंसल्ट नहीं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं खाएंगे, तो ऑब्वियसली फिर मायरी बन जाएगा। सो जैसे शहना जो है वो छोटी है, मगर अगर इसकी जो परफॉर्मेंसेस नजर आई हैं तो उसमें भी तुम्हें शायद हेल्प किया होगा, बहुत बड़ा हाथ है, एंड स्पेशली एनी एक बहुत सेंसिटिव कैरेक्टर है, स्टोरी एक बहुत सेंसिटिव है, स्पेशली फॉर अ यंग गर्ल लाइक मी,
तो उस सारी चीजों को टैकल करना, इफ मेसन भाई वाजंट बाय माय साइड, आई डोंट नो व्हाट वुड आई हैव डन. उन्होंने जितना मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में हेल्प किया है, डीलिंग विद हेट कमेंट्स, डीलिंग विद हेट ट्रोलिंग जो मुझे लोग करते थे, द वन पर्सन आई न्यू आई कुड गो टू वाज मीसम भाई, बिकॉज वो आपको ऐसे नहीं करता, अरे कुछ नहीं होता ना पढ़ो, वो आपको समझाते हैं. टू मी ही इज लाइक माय थेरेपिस्ट. चलो भाई मुझे एक्चुअली पैसे बढ़ा दो. वेरी गुड थिंग अबाउट हिम, आई मीन द वेरी गुड थिंग अबाउट हिम इज कि आप अभी भी कॉल करें ना, फौरन उठ के फौरन जवाब देंगे और आपको बताएंगे. मैं तो अभी भी जो है ना, एक एक जो भी मेरे पास प्रोजेक्ट आता है, मीसम भाई ये प्रोजेक्ट है यार, मैं क्या करूं. और माहिरी को आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन कि आपने इतना पसंद किया, इन लोगों को इतनी प्यार, इनकी रिस्पेक्ट दिए, पूरी टीम को माहिरी की. सो ARY की तरफ से, बिग बैंग की तरफ से, पूरी कास्ट एंड क्रू की तरफ से आपका शुक्रिया इस मोहब्बत का और आपके साथ ये सक्सेस शेयर कर रहे हैं. और आप लोगों का शुक्रिया कि हमें भी आप इस चीज़ का हिस्सा बना रहे हैं आपकी सक्सेस को शेयर करने का. प्लीज टेक लाइक, हम ये सेलिब्रेट करें, ये दरअसल हक सबका है. थैंक यू. बेशक. और सबका है, लेकिन जाहिर है इस सुबह जो भी आपने बुलाया, आपने बुलाया और आप हमारे सक्सेस सेलिब्रेट करवा रहे हैं यहाँ पे, यही है. बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो, बहुत इतनी कामयाबी माशाल्लाह है. स्वीटहार्ट, मैं इसको बार बार समझा रही हूँ, खबरदार जो इतनी छोटी उम्र में शादी की. आपको मसला है आयशा से, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है. शी इज द स्वीटेस्ट ऑन द सेट. वो सिर्फ काम है भाई, खुदा के वास्ते. वो कैरेक्टर्स है, लाओ केक, लाओ ना, कितनी देर में लाओगे केक. उधर आइए ना, केक इधर आएगा, इधर केक. आप लोग आए GMP ने सबसे पहले आप सब लोग आए, बच्चे ये केक हम सबकी तरफ से माहिरी की, पूरी कास्ट, क्रू, बिग बैंग प्रोडक्शन, ARY, हम सबकी तरफ से ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सक्सेस. एंड आप लोगों का शुक्रिया व्यूअर्स. थैंक यू फहद, थैंक यू डॉक्टर अली, थैंक यू ARY, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फहद, थैंक यू सना, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू एवरीवन. सना थैंक यू, कितने अच्छे कैरेक्टर तुमने लिखे हैं. तो बार बार ऐसी स्टोरीज लिखी. सना ने लिखा है सना, कॉन्सेप्ट आपको ये पता नहीं है. सना फहद का था. सना तुम तो बड़ी अक्लमंद हो भाई, माशाल्लाह. सो प्लीज ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लिखते रहे, बिकॉज ऑल वी नीड इज आई. बिस्मिल्लाह. क्योंकि आपके सामने नहीं खाएंगे, नजर लग जाएगी, पेट में दर्द होगा. एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. भाई रोज शो पे अगर हम ब्यूटी की बात ना करें तो मुझे लगता है मेरा शो नामुकम्मल है. सो इसीलिए आज एक ब्यूटीफुल लड़की, जिससे आप हमारे शो पे अलग अलग टॉपिक्स पे देखते हैं, आज वो ब्यूटी को लेकर यहाँ आई है आपको बताने के लिए. मरियम नूर हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच निदा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और आज मैं यहाँ पर आई हूँ नाइट्स की प्रोडक्ट को लेकर. अच्छा, मेरा ना एक अपना रूल है ज़िंदगी का कि मैं कोई भी अगर चीज़ को मुझे प्रमोट करना होता है तो मैं उसको पहले खुद ट्राई करती हूँ. फॉर अ वीक आई ट्राई, और अगर मुझे लगता है कि वो अच्छी है तो आई प्रमोट, अदरवाइज आई फील लाइक कि नहीं, मुझे उसको नहीं करना चाहिए. तो नाइस के प्रोडक्ट को मैंने, जब मुझे था कि मुझे इनको प्रमोट करना है, मैंने इनको खुद से यूज़ किया और मुझे लगा कि दीज आर रियली गुड, सो आई शुड प्रमोट. और सेकेंडली, मेरी आज मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू टेल पीपल कि इनका जो है फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है. अच्छा. या सो अगर ये अभी जाएंगे इनकी वेबसाइट पे, विच इज़ www.nice.com, और इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे, विच इज़ नाइट्स, तो इनको 20% फ्लैट ऑफ मिलेगा. अब लोगों को ये जानने की वो हो रही है जुस्तजू कि क्या क्या है भाई नाइट्स में जो हमें 20% ऑफ आज मिल रहा है, तो जल्दी से हम शॉपिंग कर लें. श्योर श्योर. मैं अगर अपने मोस्ट फेवरेट से स्टार्ट करूँ करूँ ना, तो आई लव देयर दिस ग्लो बॉक्स. बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं. ओके थैंक यू. सो आई जस्ट लव देयर नाइट्स ग्लो बॉक्स. इसके अंदर एज यू कैन सी 6 इनके इंग्रेडिएंट्स हैं. इसके अंदर फेस का स्क्रब है, क्लिनजर है, पॉलिशर है. और अगर मैं सबकी बात करूं
तो इनका बिल्कुल ऐसा रिजल्ट है जैसे आप सैलून जाके कोई भी सर्विसेज लेते हैं, कोई फेशियल लेते हैं, तो आपको घर बैठे बिल्कुल वैसा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, ये पूरा बॉक्स है, पूरा बॉक्स है, यस। तो आपको पता भी, मतलब वो जरूरत ही नहीं है अलग अलग से खरीदें, आप एक साथ खरीदेंगे तो जान छूट गया। एग्जैक्टली, आप अभी ऑर्डर करेंगे आपको छह के छह इकट्ठे मिलेंगे और आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है। और इनकी सबसे अच्छी चीज ये है कि हर एक के अंदर एक फ्रूट एडेड है। अच्छा, सैलून जाते हैं ना, वो जब वो आपको मसाज दे रहे होते हैं, आप कहते हैं यार ये वाली फ्रेग्रेंस और ये वाली फ्रेशनेस आपको घर पे नहीं मिलती। सो इसलिए क्योंकि वो हमें पता नहीं होता कि व्हाट दे आर एक्चुअली यूजिंग, तो इसको फील करेंगे आप बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सैलून से सर्विसेज लेते हैं। इसका जो मसाज वाली क्रीम है, इसको यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल वैसा एक वाइब आएगी कि यस, वही सूदिंग सा और फ्रेश सा। बिल्कुल, ऑलराइट। और अगर मैं इनकी पहली प्रोडक्ट कौन सी है, नाइट क्रीम से शुरू करें हम? इनकी पहली प्रोडक्ट से नहीं, नहीं, ये तो हो गया ना फेशियल का बॉक्स, फेशियल का बॉक्स हो गया। अब हम नाइट क्रीम की तरफ चलते हैं कि रात से शुरू कर रहे हैं फिर हम सुबह की तरफ आते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी स्किन बिल्कुल मॉइस्चराइज नहीं है और सुबह उठकर आपको मेकअप करना है तो वो नाइट से आपको स्टार्ट करना पड़ता है, आपको रात मिल जाएगी रिपेयर होने की। आप ये देखें, अगर रात को आपने अपने स्किन रूटीन को फॉलो नहीं किया और सुबह आपने कहीं जाना, आपका मेकअप अच्छा होता ही नहीं। एग्जैक्टली, तो इनकी जो नाइट क्रीम है, आई हाईली रिकमेंड दिस, बिकॉज आप इसको जब रात को लगा के सोएंगे तो फेस इतना सॉफ्ट होगा कि सुबह उठकर जब आप मेकअप करेंगे। क्या नाम है इसका, नाइट क्रीम का? दिस रेडिएंट रीबूट नाइट क्रीम। अच्छा, यस। सो आपको इसको रात को लगाकर सोना है और जब आप सुबह उठेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो रही है और फिर आप जब मेकअप अप्लाई करेंगे तो आपको क्लियर रिजल्ट्स नजर आएंगे। और वैसे भी विदा की सर्दियां आ रही हैं और मोस्टली लोगों का ना ये वो होता है कि सर्दियों में फेस पे, आपने नोट किया होगा कि फेस पे वाइट वाइट से पैचेस आ जाते हैं या अक्सर ब्लैक ब्लैक सी आपकी स्किन होना शुरू हो जाती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि आप उसको सही तरह से मॉइस्चराइज नहीं कर रहे। तो आप उसको मॉइस्चराइजर को यूज करें और रात को सो जाएं, सुबह उठेंगे तो आपका एटलीस्ट फेस जो है वो एक आपने उसको पहले प्रेप कर लिया मेकअप करने से पहले। और लोगों को ऐसा लगता है कि सर्दियां आ रही हैं तो धूप तो निकलेगी नहीं, जब धूप नहीं निकलेगी तो सनब्लॉक यूज क्यों करना है। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सर्दी हो या गर्मी हो, जिंदगी में आप मेकअप करके जा रहे हैं या आप कहीं भी जा रहे हैं, सन ब्लॉक को आपने लाजमी यूज करना है। और इनका सन ब्लॉक वाकई में बहुत अच्छा है। आप अगर मुझे मतलब अगर आप इवनिंग में जा रहे हैं, इवन आप अर्ली मॉर्निंग भी घर से बाहर निकल रहे हैं, इवन आप घर में भी हैं, तो जो सन की जो रेज होती हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत डेंजरस होती हैं। तो सन ब्लॉक को हर एक इंसान को, हर एक मेल फीमेल और बच्चों को लाजमी अपनी जिंदगी में ऐड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड प्लस आई विल अगेन टॉक अबाउट देयर मॉइस्चराइजर। इनका जो ये मॉइस्चराइजर है ये आप डे में यूज कर सकते हैं और दिस इज दे प्रिवेंट ड्राइनेस को आपको प्रिवेंट उसको वो करता है, रोकता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है। सो डे के लिए आप इनका ये वाला मॉइस्चराइजर लाजमी यूज करें। जबरदस्त। दिस इज 3-in-1 थाई मास्क। इसको आप फेस वॉश की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसको आप एज स्क्रब के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और ये थाई मास्क भी है। अच्छा। तो ये तीन एक ही आपको पैकेट के अंदर तीन चीजें मिल जाएंगी। मतलब आपका जब स्क्रब करने को दिल चाह रहा है आप इसे स्क्रब यूज कर लें। अब आपका दिल चाह रहा है कि नहीं थोड़ी देर लगा के मास्क के लिए छोड़ दें, आपने छोड़ दिया उसके लिए, ये इतना फेस वॉश कर ले। एग्जैक्टली, ये इतना ईजी है कि आपको बहुत ढेर सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करना। आप बस इसको एक बार इस्तेमाल करें और आपके तीनों स्टेप जो है ये कवर कर देगा और फेस को वो डलनेस को कवर करता है, फेस को ब्राइट करता है। सो इट्स रियली गुड। मुझे तो ये बहुत इजी लगता है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे फॉरन से कोई रिजल्ट चाहिए और मुझे कहीं जाना है तो मैं ये अब जरूर अप्लाई कर लेती हूँ। मतलब ये रेडी टू गो है क्योंकि एक ही है, एक में तीन चीजें एग्जैक्ट है ना। सो ये बहुत कन्वीनियंट सा रहता है। अच्छा, एंटी एक्ने सीरम है कोई तुम्हारे पास? एंटी एक्ने सीरम। और मुझे बहुत ज्यादा एक्ने हो गया था और मैंने इतना डील किया एक्ने को और अभी तक मैं कर रही हूँ। एक्ने के बारे में मैं ये लाजमी कहना चाहती हूँ कि एक्ने के लिए ना मैं हमेशा से सोचती थी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो एक्ने को वहीं पर रोके, ड्राई करे, और ड्राई करने हो जाने के बाद ना जो उसके निशान रह जाते हैं उनको डील करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो तुम क्या करती हो, इसको जो है एक एक एक्ने पे लगाती हो, पूरे मुंह पे? इसको लाइट सा लेकर, बिकॉज इट्स अ सीरम तो आप पूरे फेस पे लगा लें और इसको मतलब 4-5 दिन आप इसको लाजमी ट्राई करें, उसके बाद यू विल सी द क्लियर रिजल्ट्स। ओके, यस। और इसके साथ साथ दे हैव दिस हेलोरोनिक एसिड। और हेलोरोनिक एसिड के बारे में मैं ये बता दूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि दिस इज़ फॉर रिंकल्स, तो आपके फेस पे जब रिंकल्स आए तो आप इसको यूज़ करना शुरू करें, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको पहले टाइमली करनी पड़ती हैं ताकि आपके फेस पे वो चीज़ें आए ही ना। हाँ। मतलब रिंकल्स आए और फिर आप उनको ट्रीट करें तो उससे बेहतर नहीं कि वो चीज आए ही ना। एग्जैक्टली। तो दैट्स व्हाई आप ये जिनका हेलोरोनिक सीरम है, हेलोरोनिक एसिड है, आप
जरूरी नहीं है कि आपको वेट करना है. इट्स रियली गुड. एक तो आपकी स्किन को टाइट करता है और सेकेंडली ये आपके जो आई अंडर आई के नीचे या फेस पे जो रिंकल्स आ जाते हैं उसको भी कंट्रोल करता है. उसको भी कंट्रोल करता है. अच्छा, फिंगर वैक्स का मैंने सुना है इनकी नाइट्स की. Yes. तो ये क्या फिंगर से लिया आपने और वैक्स कर ली? यस एग्जैक्टली, फिंगर से लिया और वैक्स कर लिया. आपको पता है कि मैं तो खुद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है और अब आप वेट करो कि अगर कोई भी अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग लेज़र कराते हैं या कुछ लोग कोई और ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर आप वैक्स ही कराते हैं, आप वेट करें कि अब आपकी वो आएगा टाइम तो आप उस चीज़ को अपने फेस को वैक्स कर सकते हैं और एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी. बट ये इतना कन्वीनियंट है कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है. आपने सिर्फ अपने फिंगर पे लेना है और अपने रिक्वायर्ड एरिया पे आप इसे वैक्स कर लो. एवाज़ोन नाम है एवाज़ोन नाइट. और ये जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं अभी के अभी अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, लेट मी रिपीट अगेन, विच इज www.nights.com, उस पे अभी जाएंगे तो आपको ये सब 20% ऑफ पे मिलेंगे. अच्छा, फेस वॉशेस और उपटन के हवाले से भी कुछ बताओ क्योंकि उपटन का एक रिवाज है यार, कुछ भी कर लो. अच्छा, उपटन जो है ना, मैं बहुत चाहती थी कि मैं इसके बारे में डिटेल में एंड पे बात करूं, लेकिन अब आपने कह दिया. सो लेट्स टॉक अबाउट फेस वॉश की बात. फेस वॉश जो है ना इनके, दे हैव टू फेस वॉश. अच्छा, तो हर किसी की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है. कुछ लोग होते हैं इनके पास एक टी ट्री वाला है और एक इनके पास कॉफी वाला है. अच्छा, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है, किसी को टी ट्री सूट नहीं करता और किसी को होता है कि यार मुझे कॉफी सूट नहीं कर रहा, जबकि इनके जो है बहुत माइल्ड है, बहुत सॉफ्ट है. तो किसी को भी इससे कोई वो नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी, बिकॉज दीज ऑल आर ऑर्गेनिक और ये क्लिनिकली भी अप्रूव्ड है. तो इस वजह से आप में से किसी को ऐसा लगे कि यार पता नहीं टी ट्री मुझे सूट करे ना करे, तो ऐसा मतलब मत सोचने की या परेशान होने की जरूरत नहीं. बट स्टिल इफ यू फील लाइक, तो दे आर गिविंग टू ऑप्शंस. एक इनके पास टी ट्री वाला है विच इज 4-in-1, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, आपकी एजिंग को रोकता है और एक्नी को भी कंट्रोल करता है. और टी ट्री के बारे में तो वी ऑल नो कि एक्नी के लिए बेस्ट है. और साथ साथ दे आर ऑफरिंग अदर वन विच इज कॉफी बेस्ड. और कॉफी के बारे में अक्सर लोगों को शायद लगता है कि अगर आप कॉफी बेस्ड यूज करेंगे तो वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं, लेकिन कॉफी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी बहुत है. अच्छी है क्योंकि आपकी स्किन की जो डेड ऊपर फेस पे डेड स्किन आ जाती है उसको ये रिमूव करता है. सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको टी ट्री वाला यूज करना है या आपको कॉफी वाला यूज करना है. अच्छा, अब उपटन के बारे में, उपटन के बारे में बात करते हैं. उपटन के बारे में ना, मैं मतलब अक्सर हमारी अम्माएं भी कहती है ना कि उपटन इस्तेमाल करना चाहिए, विच इज वेरी गुड. एग्जैक्टली, तो मैं कहती थी यार ठीक है, इतना भी क्यों इसको आपने हाइप दी है कि उपटन बहुत अच्छा होता है. तो मैंने अपनी शादी के डेज में जब उपटन होता है ना, उपटन होता है, मैंने उपटन यूज किया तो उसके फॉरन लाइक विद इन 10 मिनट्स इतना अच्छा रिजल्ट आया. मैंने भी उसके और हस्बैंड ने भी उसे लाइक यार ये तो बहुत मैजिकल सी चीज हो गया कि आपका स्किन टोन जो है वो वाकई में ये लाइट करता है. अच्छा, और इस उपटन की बेस्ट बात ये है कि इसको आपने ये नहीं करना कि आपको इसको निकालना है किसी और चीज में मिक्स करना है. इट्स रेडी टू मेड. ओके, इट्स लाइक अ क्रीम, मतलब क्रीम की तरह लगाया. एग्जैक्टली, थोड़ी देर छोड़ा एंड देन वॉश कर लिया. और इसके अंदर बिकॉज इसके अंदर वो स्क्रबिंग वाला भी होता है, तो आप इसको जब बिल्कुल ड्राई होने से थोड़ी देर पहले अच्छी से इसकी स्क्रबिंग करें और वॉश कर लें. ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है. ये ऐसी चीज है कि आप अपने बैग में रखें और आपको लगता है कि जी फौरन से आपको रिजल्ट चाहिए, जब टाइम मिल रहा है आपने बैठकर हाथ जो है वो आप हाथों के लिए पैरों के लिए आप इजीली से स्क्रबिंग करें. जैसे हम सैलून जाते हैं, हमें जाकर प्रॉपर एक मैनी पैडी करवाना होता है और हर टाइम नहीं आप जा सकते. कौन जा सकता है हर हफ्ते, जितनी कराची में माशाल्लाह से आलूदगी हो चुकी है. सो दिस इज द बेस्ट. आप ये तो मैं सोच रही हूँ ना, मेरे हाथ पिकनिक पे जाके हो गए थे बिल्कुल ही. एग्जैक्टली, टैन रिमूव करने के लिए तो बेस्ट है. तो ये मैं सोच रही हूँ कि मैं भी उपटन लगाया करूंगी घर जाके. उपटन जैसे हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं अपने मतलब हाथों पैरों पे भी, उससे पहले आप इसको यूज करें, उसके बाद मॉइस्चराइज करें, तो आप हर मतलब हर दूसरे दिन अपने घर पे अपना मैनी पैडी कर लेंगे. और बड़ा नेचुरल तरीके से बात ये है ना, कोई गंदी नहीं, घोलो मिलाओ. एग्जैक्टली, ट्यूब से निकला और क्रीम की तरह लगा. एग्जैक्टली, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है कि आप इजीली इससे घर पे बैठ के अपना 20% सेल भी लगी है. ऑर्डर प्लेस करें. यस एग्जैक्टली, तो अभी अगर आप जाएंगे वेबसाइट पे, जो मैं फिर से बता दूं, विच इज www.nights.com, और आपको 20% ऑफ मिलेगा इनकी सब प्रोडक्ट के ऊपर. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनका ये जो शैम्पू है ये अनियन बेस्ड है. Okay. हम फिर से वो जिस तरह सुनते हैं माए और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बालों के ऊपर जब प्याज लगाओ तो बाल बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन प्याज लगाना, उसको निकालना, उसको बर्दाश्त करना, एग्जैक्टली इतना लॉन्ग प्रोसीजर है. और फिर अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि वो कितने टाइम के लिए लगाना है. वो ज्यादा देर लगा देते हैं तो आपका जो स्कैल्प है ड्राई हो जाता है. तो
मेरे ख्याल से आपको अगर ये ऑप्शन रेडी टू मेड मिल रही है तो इससे ज़्यादा कन्वीनियंट कुछ नहीं हो सकता, इसको आप लाजमी ट्राई करें। और अब हम खुदाफिस करें, ओके ओके, टाइम हो गया, मुझे भी घर जाना है भाई, आ जाओ, ओके ओके, सो यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमें बताने का नाइट्स के हवाले से। तो ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है आपको आपने पसंद किया होगा, इंजॉय किया होगा, सक्सेस पार्टी इंजॉय किया आपने, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदाफिज।